अनंत कोटि साष्टांग भगवत प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात हरि शिक्षा गुरुपाद पद्म मिथलीला प्रतिष्ठ विष्णुपाद अष्टोत्तर सदश्री श्री श्रीमद भक्ति वेदांत श्रीला नारायण गोस्वामी महाराज के चरण सरोज में श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पण करता हूँ। उपस्थित वैष्णव वैष्णवी माता पिता भाई बहन सभी पर मैं यथाजोग्य प्रणाम करता हूँ। हरे कृष्ण। हम लोग कथकल्ला श्रवण कर रहे थे। श्री परीक्षित महाराज ने कली को चार जगह पर स्थान दिया है। इसका मतलब है अगर कोई कली युग में केवल चार नियम का पालन कर ले और थोड़ी सी ठाकुर जी का नाम ले ले तो उसको संसार से उधार मिल जाएगी, ठाकुर जी की चरण की भक्ति मिलेगी। पहला नंबर है जुआ नहीं खेलनी चाहिए। धर्म का पहला चरण सत्य। जो व्यक्ति जुआ खेलते हैं वो कभी सच नहीं बोल सकते, वो झूठ के ऊपर झूठ बोलते हैं। इसलिए युधिष्ठिर महाराज शिक्षा दिया, देखो मैं धर्म स्वरूप हूँ और ये जुआ खेल करके मेरी कितने सत्यानाश हो गए। राज्य गया, भाइयों को भी गए और भरी सभा में द्रौपदी की वस्त्र हरण देखना पड़ा और 12 साल तक जंगल में रहे और 1 साल तक विराट राज्य में हमें नौकरी करना पड़ा। इसका मतलब है अगर कोई जुआ खेलेगा ना इतने नीचे वो उतर सकता है। इसलिए कभी भी ये जुए सट्टे में कभी हाथ नहीं देने चाहिए। दूसरा बोले पानम। पानम का मतलब किसी तरह का कोई नस्ली वस्तु को ग्रहण नहीं करनी चाहिए। पान बीड़ी सिगरेट अफीम गांजा भांग शराब गुटखा ये सब चीजों को नहीं ग्रहण करनी चाहिए। धर्म की दूसरा चरण है तपस्या। जो व्यक्ति नस्ली वस्तुओं को ग्रहण करते हैं वो कभी तपस्या नहीं कर सकते हैं। तीसरा जो धर्म का स्थान पवित्रता, इसलिए पवित्रता हमें रक्षा करनी चाहिए। अवैध रूप में पुरुष स्त्री और स्त्री पुरुष से नहीं मिलनी चाहिए। संसार करो अपना धर्म पत्नी को साथ में अपना घर गृहस्थी बैठनी चाहिए। चौथा नंबर है जीव हिंसा। जीव हिंसा मतलब है जीवन में मांस मछली अंडा प्याज लहसुन आदि सेवन नहीं करनी चाहिए। इसको करने से जीवन में हृदय से दया नष्ट हो जाती है। जब श्री परीक्षित महाराज कली को चार स्थान दे दी कली तभी संतुष्ट रही। बोले मैं कहाँ घूमते फिर, कौन जुआ खेल रहा है, कौन मांस खा रहा है, कौन अवैध स्त्री संग कर रहा है, मैं कहाँ कहाँ घूमूं, मेरे को ऐसे एक स्थान दो जहां पर हमें सब मिल जाए। तब उन्होंने सुवर्ण में स्थान दे दिया, मतलब सोने में। फिर देखना जितने अधर्म का स्थान है जहां पर ज्यादा पैसा वहीं पर जुआ वहीं पर वेश्यागमन वहीं पर मांस शराब सारे देखना वहीं पर है। यहाँ प्रश्न है, बोले भैया पैसा तो लक्ष्मी है और मूल लक्ष्मी से राधा रहे, फिर यहाँ पर कैसे ये सारी गलती चीजें हो सकती है। तो उन्होंने बताया आप लोग एक प्रश्न का उत्तर दो, बताओ ये लक्ष्मी की बहन कौन है, बता सकते हैं? बोलो कौन बोले हाथ है। अरे लक्ष्मी की बहन कौन है, बोलो जोर से बोलो लक्ष्मी की। आप लोगों ने नहीं था लक्ष्मी किसको पर बैठती है। आप लोग सब पंडित सही बताए। मतलब है कि चीज को अच्छा तरह से समझो, घर में जब लक्ष्मी आती है ना वो उल्लू को पर बैठ कर जाती है और किसके घर में अगर उल्लू बैठ जाए ना उसका सत्यानाश हो जाती है। इसलिए उल्लू अपशगुन है, मतलब घर में पैसा है ना सारे अमंगल को लेकर जाती है। इसलिए उसका बहान उल्लू हमें और हमें उल्लू बनाती है, उल्टा सीधा काम कराती है। लेकिन लक्ष्मी की और के बहाने बता सकते हो? एक तो उल्लू है और एक कौन है, बोलो जोर से। और एक बहान करो, आप देखना लक्ष्मी जब उल्लू के ऊपर बैठती है अकेली, लेकिन जब गरुड़ के ऊपर बैठती है लक्ष्मी अकेली नहीं बैठती और नारायण के साथ में बैठती है। देखो इतनी चीज को समझ लो।
अगर लक्ष्मी को हम घर में बुला रहे हैं, लक्ष्मी कौन है? नारायण की। लक्ष्मी किसकी है? हमारी ना, नारायण की है। बताओ किसकी लक्ष्मी है? नारायण की। अगर हम उसको नारायण की सेवा के लिए बुलाते हैं, माँ लक्ष्मी आप कृपा करके आओ, क्योंकि आपकी बगैर ठाकुर को तो सेवा ही होगा ना, आप ही तो ठाकुर को सेवा करोगे, फिर तो लक्ष्मी और गरुड़ को पर बैठ करके आएगी। गरुड़ कहाँ रहते? बोले वैकुंठ में। अगर लक्ष्मी को बुलाए ठाकुर को सेवा के लिए, अगर सचमुच से लक्ष्मी को ठाकुर को सेवा में लगाए, तो आपका घर घर नहीं, आपको गोलोक वैकुंठ बना देगी लक्ष्मी। लेकिन अगर लक्ष्मी को बुलाए, माँ लक्ष्मी आओ, बोले क्यों? आपको हम भोग करेंगे। लक्ष्मी तो हम भोग नहीं कर सकते हैं, पर लक्ष्मी वो उल्लू पर बैठ कर आएगी, बोले मेरे को भोग करो, देखो तेरे को मैं मजा चखाता हूँ। इसलिए जितने अशांति, जितने दुख, जितने अपवित्र सारी गंदी चीज को घर में लेकर लक्ष्मी आएगी, फिर तो घर को नर्क बना देती है घर को। इसलिए लक्ष्मी को बुलाओ, लक्ष्मी के बगैर कुछ नहीं होती है। लेकिन लक्ष्मी को इसलिए बुलाओ, ठाकुर जी की सेवा के लिए लक्ष्मी को बुलाया करो, ठीक है? बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। एक दिन परीक्षित महाराज जंगल में भ्रमण करने के लिए गए थे, और उनको इतनी जोर से प्यास लग रही थी, जिद्दे कभी कभी लगी नहीं। एक ऋषि के आश्रम पर पहुंचे, ऋषि सचमुच से भजन कर रहे थे, पानी मांगे, उन्होंने तो भजन कर रहे थे लेकिन उनको सुनाई नहीं पड़ी। बोले मैं देश का राजा आया हूँ, और मेरे को थोड़ा पानी तक भी आप पिला नहीं सके। पास में एक मृत सर्प पड़ा हुआ था, उन्होंने उनकी गले में पहना दिया। जब चले गए, उनकी बच्चा श्री श्रृंग ऋषि की पता चलते ही उसने कौशिकी नदी की पानी को उठाया और मंत्र पुत करके बोले, जिस राजा ने मेरे पिताजी की गले में मरा हुआ सर्प को डाला, मैं अभिशाप देता हूँ सप्तम दिवस में उनको तक्षक दर्शन करेगा। इतने में आ करके वो बच्चा रोने लग गया पिताजी के पास में, पिता की नेत्र खुल गई। बोले बेटा क्या बात, क्यों रो रहे? बोले ऐसे ऐसे, देखो यहाँ प्रश्न आती है। अभी तक राजा तो चिल्ला चिल्ला कर गला फट गया, तभी इनकी आंख नहीं खुली, लेकिन बेटा जब आ करके थोड़ी सी रो लिया ना, झट नेत्र खुल गई। बोले क्यों? क्या परीक्षित महाराज दूसरे थे कि अपना बेटा? बोले नहीं। बोले फिर एक कारण किया, उसका दो कारण बताए। पहला कारण बताए, ये जो परीक्षित महाराज ये साधारण नहीं, जिन्होंने मातृ गर्भ में कृष्ण दर्शन किए, कृष्ण की गोद में जो लालन पालन हुए है, इसलिए ये परम भक्त थे, कृष्ण की परम भक्त है, जिन्होंने कली को भी दंड प्रदान की, इतने बड़े उनकी सास थी, कली को उन्होंने निग्रह किया, शासन किया कली को, और बड़े पराक्रम, बड़े कृष्ण भक्त थे। अगर कोई भक्त आपके घर में आए, अगर उनको आदर नहीं मिले, अगर वो चले जाए ना, समझो एक तरह से अपराध हो गया है। अगर संत के चरण में अपराध होगा तो क्या होगा? भक्ति से तुम्हें चुत होना पड़ेगा। इसलिए वो जो भजन कर रहे थे, उनकी अपराध से उनका नेत्र खुल गए, ये एक कारण। दूसरा कारण है, पहले पहले ऋषि लोग जब भजन करते थे ना, ऐसे भजन नहीं, जब इनकी ध्यान लगती थी महीना महीना तक, महीना महीना तक इनका ध्यान लग जाती थी। हैं? अभी जैसे हम बैठे भजन के लिए, एक मिनट भी हमारे भजन में मन नहीं लगता है, लेकिन पहले ऐसे नहीं थे, उनका मन पवित्र हुआ करता था, प्रभु के चरण में लगे तो पूरा लग ही जाए। अभी श्री जोग माया ने देखा, अभी इनको श्रृंग ऋषि ने अभिशाप दी, अगर परीक्षित महाराज को पता नहीं चलेगा, फिर ये प्राय को व्यसन नहीं करेंगे, घर को छोड़ करके नहीं आएंगे, फिर श्री सुखदेव गोस्वामी नहीं आएंगे, फिर भागवत कथा ही नहीं हो पाएगी। इसलिए जोग माया ने इनको भागवत ग्रंथों को प्रकाश करने के लिए वो जो ध्यान में बैठे हुए थे, ध्यान को तोड़ दिया। जब तोड़ दिया, बोले बेटा क्या बात, क्यों रो रहे? बोले ऐसे ऐसे बात है, परीक्षित महाराज आए थे, आप उनको पानी नहीं दिया, इसलिए गले में मरे हुए सर्प को डाल करके चले गए। बोले फिर? बोले फिर क्या, मैंने उनको अभिशाप दे दिया। बोले नालायक, तेरे को पता है परीक्षित महाराज कौन है? वो कृष्ण का परम भक्त श्री परीक्षित महाराज,
हमारे अवभाग्य है एक संत घर में आए थे, संत को तो आदर किया ही नहीं और संत को तुमने अभिशाप दे दिया। तो उन्होंने जितने ब्राह्मण समाज को उन्होंने भी उल्टा अभिशाप दिया। देखो पहले ब्राह्मण को मुंह में ना वो जो बोलते थे वही हुआ करता था, जो कुछ बोलते थे। लेकिन श्रृंगेरी ऋषि श्रविक ऋषि ने सारे ब्राह्मण समाज को अभिशाप दे दिया। बोले आज से मैं अभिशाप देता हूँ ब्राह्मण समाज को, इनकी जो बाक शक्ति रहेगी नहीं, इनकी बाक शक्ति खत्म हो जाएगी। तब से उनकी बाणी में जो शक्ति थी सारी शक्ति इनकी समाप्त हो गई। तब उन्होंने एक बालक को भेजे, बोले जाओ परीक्षित महाराज को बोल दो आपको पास में कुल 7 दिन है, ये 7 दिन को अंदर में जो कुछ करना कर लो। अगर आप किसी व्यक्ति को बोलो आपके पास में 7 दिन बचा हुआ है, चिंता इसको बाद में सर्प काटेगा आप मर जाओगे, बताओ हमारी क्या हो गया होता। हम सुनते ही तो आधा ही मर जाएंगे, 7 दिन में मर जाएगी, घर दुकान मकान सब छोड़ कर जाना पड़ेगा। लेकिन श्री परीक्षित महाराज दुखी नहीं हुए, सुखी हुए। बोले क्यों सुखी क्यों हुए? बोले कारण इसका दो कारण बताए। पहला कारण है अगर हमने कोई पाप कर्म की है उसका अगर प्रायश्चित हो जाए ना, समझो तुम्हारे पाप नष्ट हो गए, पाप पर खत्म हो गए, इसलिए ये एक कारण। दूसरा कारण है आप देखना मरने से 1 मिनट पहले भी हमें पता नहीं पड़ता हम मरने वाले, इसलिए बोले निश्वास नैवे विश्वास कथा रूद्र भविष्यति। ये विश्वास में किसका विश्वास नहीं, कब ये बंद हो जाएगा? हमने जो श्वास छोड़ा है हम दूसरा बार श्वास ले पाएंगे? कोई बता पाएगा? कोई बता सकता है दूसरा श्वास भी ले पाएंगे? कोई नहीं बता सकता है। इसलिए श्री परीक्षित महाराज ने देखा मेरे ऊपर में अभिशाप नहीं, मेरे ऊपर में तो संतों का वरदान है। कम से कम 7 दिन तो अंदर में मरने वाला नहीं हूं, इसलिए ये 7 दिन को अंदर में मैं अपना परमार्थ को भगवत प्राप्ति का मैं उपाय में कर सकता हूँ। इसलिए उसमें दुखी नहीं हुए, दुखी नहीं होकर के प्रसन्न हो गए। अहो भाग्य है उन्होंने अपना बेटे को राज सिंहासन में बैठाई और उन्होंने प्राय प्रवचन की। प्राय प्रवचन मतलब जब तक ये मृत्यु नहीं आ जाएगी तब तक हम कोई खाना नहीं खाएंगे। कहाँ आश्रय लिए? बोले गंगा किनारे सुख ताले स्थान है वहीं पर उन्होंने गंगा किनारे में आश्रय लिए। बोले क्यों गंगा किनारे में तुम आश्रय लिए? बोले जो गंगा है ये भगवान के चरण से निकली गंगा, इसलिए भगवान की चरणामृत, इसलिए भगवान की चरणामृत और भगवान में कोई फर्क नहीं। माना उन्होंने ठाकुर जी के चरण को उन्होंने आश्रय ग्रहण किया। पहले कोई टेलीफोन नहीं होता था, पहले कोई टेलीग्राम नहीं होती थी, लेकिन ऋषि मुनियों के पास में ऐसे दिव्य ज्ञान होता था। जितने ऋषि मुनि थे अपने आप उनके पास में दिव्य ज्ञान है ना, अपनी आप उनको पता चला अभी श्री सुखदेव गोस्वामी आएंगे, अब ये 7 दिन तक ये भागवत कथा हुई। इसलिए जितने ऋषि मुनि कभी यहाँ तक भी कथा में स्वर्ग से सारे देवता लोग भी उतर करके आते हैं, जितने गंगा जमुना सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जितने तीर्थ व्यास पराशर वशिष्ठ जितने सारे ऋषि मुनि भी ये कथा में आते हैं। इसलिए भागवत में बताए बोले सर्वान तीर्थानि वसन्ति तत्र यथा चुतागर कथा प्रसंगम। देखो श्री सुत गोस्वामी एक बहुत अच्छी बात कहते हैं, अगर किसकी मन में इच्छा हो पृथ्वी में जितने सारे तीर्थ में जाओ, सारा तीर्थ में स्नान करो और सारे तीर्थ में दर्शन करना चाहता हूँ, आप लोग बताओ संभव है? बताओ संभव है? ऐसे ऐसे हमारा भारत में तीर्थ है ना लोगों को पता भी नहीं, करोड़ रुपया खर्च कर लो तभी ये सारे तीर्थ में हम स्नान नहीं कर सकते, दर्शन नहीं कर सकते। देखो सुत गोस्वामी कहते हैं भैया इसे कौन सा उपाय है जो हम बैठ बैठ करके एक साथ में सारे तीर्थ हमारे हो जाए, ऐसे कौन सा उपाय? बोले सर्वाणी तीर्थानी बसंत तथा पृथ्वी का सारे तीर्थ वहीं पर है
जो व्यक्ति भगवान की कथा रूपी गंगा में स्नान करते हैं, कथा रूपी गंगा में स्नान कर लिया ना, समझो सारे तीर्थ में बैठ के स्नान आ गया, बल्कि उतना नहीं उससे भी ज्यादा पुण्य है। जैसे तीर्थ में गए स्नान किया, अब बताओ क्या होगा, केवल थोड़ी सी तुम्हारी पाप नष्ट होगी और कुछ होने वाले नहीं। फिर घर में दो बार आकर फिर पाप कर्म करो, फिर वही उल्टा पुल्टा लड़ाई झगड़ा क्लेश सही निंदा चुगली फिर उसमें ये हो जाएगी। लेकिन एक कथा रूपी गंगा में अगर नहाओगे ना, पाप तो तुम्हारी जाएगा ही और एक दिन भगवान की भक्ति रस में सराबर हो जाओगी, एक दिन तुम्हें भगवत प्राप्ति हो जाएगी। इसलिए बोले गंगा स्नान से तीर्थ स्नान से संतों की कथा रूपी जो स्नान है इसका ज्यादा महत्व है, इसकी ज्यादा महत्व है कथा रूपी गंगा में अगर नहाओगे। आप लोग हरिद्वार गए हो, हरि की पौड़ी में कई स्नान किए, कौन कौन स्नान किए हरि की पौड़ी में, आप देखना जब आप जाओगे ना, मान लिखा हुआ सावधान अंदर में जाता गहरा पानी, अगर नीचे थोड़ी सी अंदर में गए ना आपको बहा करके ले जाएगा गड्ढा, अगर एक डुबकी लगा फिर उठोगे नहीं पर पूरा पूरा बह जाओगे। इसलिए देखो गंगा में अगर एक डुबकी अगर अंदर में लगाओगे तो पूरा पूरा बह जाओगे। लेकिन कोई आपने कभी सुना है कृष्ण कथा रूपी गंगा में डुबकी मत लगा, कभी सुने हो? भले ही जितने डुबकी लगा सके है ना भैया, कथा रूपी गंगा में जितने डुबकी लगा सके लगाओ, अगर कथा रूपी गंगा में डुबकी लगाओगे तो तर जाओगे, लेकिन ये गंगा में नहाओगे तो मर जाओगे, ज्यादा अगर अंदर में तो मर जाओगे, लेकिन कथा रूपी गंगा में नहाओगे तो क्या हो जाएगा, हम तर जाएंगे। इसलिए श्री सुतो गोस्वामी कहते हैं सर्वाणि तीर्थानि वसन्ति तत्र, जो कृष्ण कथा रूपी गंगा में नहा लेते हैं वो सबसे ज्यादा बड़ा नहाना वही है। ठीक है ना, एक बार हाथ उठा करके बोलो, बोलो हरे कृष्ण 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 हरे 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 मेरे ऊपर ना अभिशाप नहीं, ये तो ठाकुर का वरदान है, क्योंकि जीवन में अगर एक संतों को दर्शन कर लो ना जीवन धन्य हो जाता है। लेकिन आज देखो कितने संत हैं, 88,000 संत बैठे हुए, कहते मेरे ऊपर में हरे कृष्ण आ गया हरे, इसलिए मेरे ऊपर में अभिशाप नहीं, मेरे ऊपर में तो संतों का आशीर्वाद है, ये आशीर्वाद मेरे ऊपर। फिर उन्होंने सारे संतों को प्रश्न करते हैं, बोले हे संतों आप मेरे को कृपा करके ये बताए, एक दिन सबको मरना पड़ेगा, आज हो नहीं तो 100 साल को बाद में हो, सबको मरना पड़ेगा, ये तो ध्रुव सत्य है, सबको मरना पड़ेगा। आप बताओ जो मरणशील व्यक्ति है उसका क्या कर्तव्य है, उसको क्या करनी चाहिए, आप कृपा करके आप मेरे को बताओ। लेकिन वहां पर जितने ऋषि मुनि लोग बैठे हुए थे ना, बोले नासौ मुनि जस्य मतम न भिन्नम, ऐसे कोई ऋषि नहीं थे जिनका मतवाद अलग नहीं था। कोई बोल रहे थे भैया विघ्न विनाशक श्री गणेश जी की पूजा करो तुम्हारे विघ्न विनाश हो जाएगा, किसने कहा उसका मैया क्या कहीं चली गई, और उसकी मैया पार्वती की पूजा करो ना, किसने कहा क्यों उसको पापा कहीं चले गए, उसको पिताजी शंकर जी को पूजा करना, किसने कहा क्यों मृत्युंजय कवच को पाठ करो, मृत्युंजय कवच को पाठ करोगे तो मृत्यु तुम्हारी टल जाएगी, किसने कहा भैया तो अनचल दिन में होता है, किसने कहा नव दुर्गा की व्रत बोलते 9 दिन में होता है। अभी वहां पर जितने ऋषि मुनि लोग थे ना सबके सब अलग 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 बात कर रहे थे। अभी परिकृति महाराज बड़ी समस्या में पड़ गए, बोले क्यों कभी ये सबके सब ऋषि नहीं, ये एक और एक इनका अभिशाप है, अगर हमने एक ऋषि का बात सुने
अगर दूसरे ऋषि की बात नहीं सुना ना, बोले तो मैं क्या कम हूं, तुमने मेरी बात नहीं सुनी, उसकी बात तो सुनी। बोले हे भगवान, यहाँ पर जितने ऋषि मुनि है ना, ये एक एक अलग अलग अभिशाप है, ये सब के सब अभिशाप है। और यद्यपि ये लोग शास्त्र को मंथन करके एक चीज मंथन करने निकलेगा, बोले एक चीज क्या, बोले श्रोतव्य कृते तपस्य स्मर्तव्य इच्छता भयम्। अगर ये संसार में कोई अभय बनना चाहते हैं, भगवान की कथा सुना, भगवान का कीर्तन करो और भगवान को स्मरण करो। यद्यपि एक सिद्धांत में पहुंचेंगे, लेकिन का भरसा जब कृषि सुखाएंगे। कहते भैया वो बारिश का क्या महत्व है जब कृषि सूखी जाए, मेरे पास में 7 दिन है। अगर ये आपस में शास्त्रार्थ करते करते समय बीत गया, फिर मेरी क्या होगी। फिर उन्होंने फिर ठाकुर जी की शरणापन्न हुए, बोले ठाकुर जी हे बांके बिहारी, तुम ही मेरे को मातृ गर्भ में रखा किया था, अब मेरे अंतिम समय मेरे मन में एक ही इच्छा है, तुम्हारी कथा सुनते सुनते मेरी जीवन बीत जाए, इतनी सी केवल आप व्यवस्था कर दो। जब हृदय से उन्होंने पुकारे, फिर श्री सुखदेव गोस्वामी वहां प्रकट होते हैं, बोले श्री सुखदेव महाराज की कोई जयकार नहीं दे। आज का व्रत रखे हो नहीं है ना, देखो ठाकुर को जो जितने जोर से जय देगा ना, ठाकुर को थोड़ी जय, जय था हमारे लिए, जो जितने जोर से जय देगा उसको उतना पाप खत्म होगा, उतना पुण्य उदय हुई, ठीक है ना। जोर से बोलो, बोले श्रीमद भागवत कथा मृतम की। अभी लग रहा है कथा हो गई। इसलिए श्री सुखदेव गोस्वामी जब प्रकट हुए, कहते उनकी उम्र कितने, बोले 16 साल की, देखने में कृष्ण जैसे, कभी कृष्ण प्रेम में नाच रहे हैं, कभी कृष्ण प्रेम में गा रहे हैं, कभी कृष्ण प्रेम में हंस रहे। साधारण बच्चे तो सोच रहे थे भाई पागल है, सबके सब धूल झोंक रहे थे, लेकिन स्त्रियां तो देख देख कर पागल भी बन रही थी। बोले क्यों, वो देखने में लग रहे थे सख्या जैसे काम देव है, देखने में कृष्ण जैसे रंग, नासिका बड़ा सुंदर और क्या अपूर्व सुंदर, आजान लंबित भजो, आंख एकदम बड़ी बड़ी आग, हाँ सुपति जैसे नासिका, गले में त्रिवली पड़ा हुआ, महापुरुष का 26 लक्षण होता है, इनके अंदर में पूरा के पूरा 26 लक्षण दिख रहा था। स्त्रियां तो देख देख रही, बोले हे भगवान हे तो बड़े सुंदर, लेकिन लग रहा है जैसे पागल है, लेकिन पागल नहीं थे। कहते ना कोई धन दौलत के पागल है, कोई पागल है बेटा नानी के, कहती सब झूठे पागल है, सच्चे पागल कौन है, हाँ जो पागल है श्री वाक्य। इसलिए कहते ना कन्या तो आधा पागल क्यों बनाया, पागल बनाना तो हमें, पूरा पागल तुमने क्यों नहीं बना दिया। जब तक पागल नहीं बनेगा ना, तब तक भगवान नहीं मिलने वाले। इसलिए हम भजन क्यों कर रहे हैं, पागल बनने के लिए। इसलिए पागल हमें एक दिन बनना, पागल बनना पड़ेगा। अभी श्री सुखदेव गोस्वामी जिस समय 88,000 ऋषि लोग जहाँ बैठे हुए थे, जब उनका अंदर में प्रवेश किए ना, देखो जो जौहरी है ना वही सोने को पहचान सकते हैं, सोने को सब नहीं पहचान सकते हैं, लेकिन वहां पर सब ऋषि मुनि लोग बैठे हुए थे, उनको पता है कृष्ण प्रेम प्रकट हो तो क्या क्या उनमें लक्षण है, वो सारे लक्षण दिख रहा था। वो सारे संत लोग समझ गए, भैया यही सही प्रश्न देने वाले हैं सारे ऋषियों को, क्योंकि श्री सुखदेव गोस्वामी को पिताजी के पिताजी के पिताजी बैठे हुए थे, उन्होंने सबको प्रणाम किया, सबका आशीर्वाद लिए है, क्योंकि बड़ों का आशीर्वाद लेनी चाहिए। इसलिए नियम है सवेरे उठ करके बड़ों को पिता माता सास ससुर में क्या करनी चाहिए, चरण छूनी चाहिए। चरण छूते हो गए कोई, कौन चरण छूते हो बड़ों को सवेरे उठ करके, हाँ देखो सबकी चरण को छूनी चाहिए, और विशेष करके सास ससुर की तो चरण छूनी चाहिए। देखो सास ससुर की चरण को क्यों छूनी चाहिए, नीचे जो समझो, जैसे घर में 3 बेटे हैं, घर में तुम्हारे 3 बेटे, लेकिन एक बहू सवेरे उठ करके सास की चरण छूती है, सास को बड़ी सेवा करती है। जब तीनों उनको पास में कुछ सोना चांदी होएगा, एक दिन तो बंटवारा होना है, एक दिन बंटवारा होगी, जो बहू सास की ज्यादा सेवा करेगी
सास क्या करेगी? बता क्या करेगी? वो छुपा करके ना सोना चांदी को छुपा कर उसको अलग दे, तो उसको पढ़ ले, बोलना नहीं। और जो बाकी रहेगा ना उसको तो तीनों में बांट देगी, लेकिन उसको छुपा कर कुछ अलग दे पूरा करेगी। इसलिए बड़ों का चरण छूना है ना भाव ही लाभ है। अगर बड़ों का चरण छुओगे उनका आशीर्वाद मिलेगा ना। कहते ये बड़ों का आशीर्वाद ऐसे की चीज है, अगर भाग्य में कोई उल्टा पुल्टा हो, अगर पिता माता की आशीर्वाद मिले ना, ब्रह्मा जी को भी उसको भाग्य बदला देना पड़ता है, किंतु नहीं। इसलिए भगवान राम सभी लोग क्या करते थे, बोले प्रात उठई रघुनाथा मात पीत गुरु नमई माता। भगवान सभी लोग करके पहले पिता माता गुरु जी की चरण छुआ करते थे, ठीक है ना। लेकिन आप लगता है यहाँ पर कहते जाते से सास बैठे थे, आखिर आप किसकी चरण छुआ? आप तो घर के सबके सब बड़े हो। तब भी जो और हमसे जो बड़े होंगे उनके चरण हमें छूनी चाहिए, ठीक है ना। एक बार हाथ उठा करके बोलो, बोला हरे कृष्णा 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 हरे 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 झरी लगा दी। बोले अतः वृक्षाभिषम सिद्धि जोगिनां परमं गुरु पुरुषस्य यत् कर्तव्य मृगमाणस्य सर्वथा। बोले हे ऋषियों आप कृपा कर दीजिए, बताइए अतः वृक्षाभिषम सिद्धि। आप ये बताओ जगत में ऐसे कौन सा वस्तु है जिसको पाने का बाद जीव को ये लगे जीवन में हम सब कुछ मिल गया। अब देखना इस जगत में जितने तुम्हारे पास में पैसा क्यों नहीं हो जाए, अभी तक किसको तृप्ति हुई? कोई तृप्ति नहीं हुई। इसलिए कितना कमाई, कमाई मतलब क्या? कम आई। कितना कमाई करो, कमाई करो, कमाई मतलब क्या? कम आई और ज्यादा आनी चाहिए। इसलिए इसी जगत में कोई भी आप रिलायंस कंपनी वालों को अंबानी को पूछ लो, अभी तो खुश है इतना पैसा से, सोचता हुआ पृथ्वी का सबसे बड़ा पैसा वाला कब बने। इसलिए जगत में किसको तृप्ति नहीं मिलती है। इसलिए कहते राजा कहे महाराज सुखी, महाराज कहे सुख इंद्र को भारी, इंद्र कहे चतुरानन को सुख, चतुरानन कहे सुख विष्णु के भारी। लेकिन तुलसीदास विचार करे हरि भजन बिना सब दुख विकारी, हरि भजन बिना सब दुख विकारी। वही केवल तृप्त है जो भगवान की भक्ति करते हैं, भगवान को प्रेम करते हैं, केवल वही तृप्ति है, वही केवल शांत है। और जगत में सबके सब अशांत है। इसलिए इनकी प्रश्न है जगत में ऐसे कौन सा वस्तु है जिसको पाने का बाद जीव को ये लगे जीवन में हमें सब कुछ मिल गया, आप कृपा करके बताओ। और पुरुष सचत कर्तव्य, हमारी कर्तव्य क्या है, अकर्तव्य क्या है? इसलिए जो पूछा और नहीं पूछा आप कृपा करके बताओ। ये प्रश्न सुन करके सुखदेव गोस्वामी बहुत प्रसन्न हुए, बोले बरियान ऐसे प्रश्न, बोले तुम्हारे जो प्रश्न है ना बहुत बढ़िया प्रश्न किया। जो प्रश्न को आत्मवीत सन्मत पुंसाम, जो आत्मा में रमण करने वाले योगी भी तुम्हारी प्रश्नों को आदर करेंगे। बोले देखो बच्चा ये जो मानव शरीर है ये बड़ा भाग्य से मिला है, अभी ध्यान देकर सुनो, बहुत अच्छी बात कहते हैं। बोले ये जीवन बड़े दुर्लभ जीवन है जिसको भगवान राम अयोध्या वासियों को समझाते हैं। बोले बड़े भाग मानो तन पावा, बड़े I'm not afraid.
84 लक्ष जन्म में केवल एक ही शरीर मिला है,
जिस शैली से हम भगवान की भक्ति कर सकते हैं। केवल एक ही जीवा मिला 84 लाख जन्म में, जिसमें राधे राधे कृष्ण कृष्ण और राम राम हम बोल सकते हैं। और किसको बोलो राम राम कृष्ण कृष्ण राधे राधे बोले, और मैं बोल सकता है मानव सुबह आप घर से यहाँ तक चल करके आए, इंसान बताया ना, और कोई आया अगर एक सुअर कुत्ता सोचे, देखो सनातन धर्म में हरि कथा भागवत कथा हो रही है, भैया चलो थोड़ा कथा सुनकर जाए, अगर सुअर अगर गेट तक कथा आएगा ना डंडे लेकर भगाएंगे उसको। इसका मतलब है ये कथा में केवल इंसान का सिवा है कोई भी यहाँ बैठ भी नहीं सकता है, इसलिए केवल दो ही हाथ मिले जिन्हें हाथों से हम ठाकुर को सेवा कर सकते हैं, और कोई कर सकता है सेवा को? इसलिए भागवत ने बताए अगर इन्हीं हाथों में हम ठाकुर को सेवा नहीं करते हैं, लेकिन यहाँ से यहाँ तक तो सोने की कंगन पहन रहे लेकिन ठाकुर को सेवा नहीं करते, बोले सबो करोगा गुरु तो सब कर दिया हरे लसत का चरण कम करूंगा, भले ही सोने चांदी हीरे जवाहरात से हाथ भरा हुआ लेकिन ठाकुर को सेवा नहीं करते हो कि तो मरा हुआ हाथ है। दो कान ठाकुर जी दिए, अगर इससे कृष्ण कथा नहीं सुनते हो बोले ये कान नहीं, सारा दुनिया उल्टा पुल्टा म्यूजिक गंदी गंदी टीवी के कहा सुन रहे हो, लेकिन कृष्ण कीर्तन नहीं सुन रहे हो बोले कान नहीं, ये दो बील है, वो दो बील में काल रूपी सर्प का निवास है। अगर ये जीवा से कृष्ण नाम नहीं करते हो दुनिया की बात को टक्टर से बड़े को ना टक्टर 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 कर रहे हो, कहते अगर ये जीवा से ठाकुर का नाम ले ले रहे हो बोले बीला बीलो पद उरुक्रम, कहती ये मेढक देख नाम बरसात का समय में वो मेढक टटर 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 करता है, अभी सर्प देखता है अपना खाना ढूंढने का जरूरत नहीं, खाना मेरे को बुला रहे हैं, वो सर्प आकर के धीरे धीरे उसका आवाज सुनते सुनते आकर चढ़ पड़ लेता है, फिर टटर टटर करना शुरू कर देता है। इसलिए कहते अगर ये जीवा से हम कृष्ण नाम नहीं करें, सारा दुनिया की बात को बकबक बकबक कर रहे मेढक जैसे, बोले ये जीवा नहीं है मेढक जीवा है, और एक दिन काल विसर्प तुम्हें आंख के निकल जाएगा है। इसलिए अगर इन्हीं आंखों से हम भगवान को दर्शन नहीं करते हैं, तीन भर बैठकर टीवी की उल्टा पुल्टा फिल्म उल्टा पुल्टा सीरियल देख रहे हैं, भागवत कहता है ये आंख नहीं ये पांच है, मरुपथ में भी बड़े सुंदर सुंदर आंख है, कभी ये चरण से हम तुलसी परिक्रमा नहीं ठाकुर को मंदिर परिक्रमा नहीं करते हैं, भागवत कहता है ध्रुव जन्म भाजो, अगली जीवन में तुम्हें ठाकुर जी पेड़ जन्म देंगे, क्यों पेड़ जैसे एक जगह पर खड़ा हुआ है बोले तेरे को दो प्यार दिया है ना, मंदिर परिक्रमा तुलसी परिक्रमा लगा सकते हो, लेकिन ये तो किया नहीं, सारा दुनिया में इधर उधर घूमते रहे लेकिन प्रभु की भक्ति नहीं किया ना, बोले पेड़ बनकर के भागवत कहता है ध्रुव जन्म भाजो। इसलिए श्री सुखदेव गोस्वामी कहते हैं ये मानव शरीर नहीं, कहते साधन धाम मोक्ष करे द्वारा, ये 84 लाख जन्म में भटकते भटकते मानव शरीर नहीं मुक्ति के दरवाजा में हम खड़े हुए, ये मुक्ति के दरवाजा पर हम खड़े हुए हैं, बोले पाई न जई पर लोक सवारा, लेकिन ये मानव शरीर पा करके अगर मुक्ति के मार्ग तुमने नहीं देखा, मतलब प्रभु की भक्ति नहीं किया, दूसरे लाइन में कहते हैं फिर सर पिटते रहोगे तुम, लेकिन ये मानव शरीर ठाकुर और नहीं देंगे, ठाकुर जी इंसान का जीवन तुम्हें नहीं देंगे हैं, इसलिए ये जीवन पा कर काम करते ही किया, बोले कुल चार ही काम कर रहे हैं, दिन में दो काम और रात को दो काम करते हैं, बोले क्या दिन में दो काम क्या करते हैं, बोले पैसा कमाते हैं और पैसा को द्वारा अपना शरीर को अपना परिवार को मेंटेनेंस करते हैं, बोले रात को बोले विश्राम करते हैं सोते हैं और विषय भोग करते हैं और बच्चों को जन्म देते हैं। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं ये बताओ ऐसे कौन सा जीवन हमारी गया नहीं जिस जीवन में तू ये काम नहीं किया है, ये 84 लाख जन्म तुमने जो भ्रमण किया यही काम तो करते करते आया, अगर ये जीवन पा करके फिर उसी काम में तुम लग पड़ा फिर तो तुम्हारा जीवन गया ना। हाँ देखो आप मेरी छोटी छोटी सी कथा सुना था, ये मानव शरीर कितने दुर्लभ और हम कर रहे क्या, ये चीज को अच्छे तरह से समझो, बोले एक समय कोई एक लकड़हार था, जंगल के लकड़ियों को काट करके जला करके कोयला बना करके बाजार में
उसको बेच करके पेट पालता था, दिन में 50,000 रुपया कमा लेता था। एक दिन राजा उधर से गुजर रहा था, बोले बेटा तू क्या कर रहे हैं? बोले यही कर रहा हूँ। बोले देख बेटा, आज से सारे तेरे सारे दुख खत्म हो जाएंगे, अब तेरे दुख नहीं रहेगा, तेरे को एक चंदन की बाग देगा, लो इसको ले, आज से तेरे दुख दरिद्र खत्म। राजा एक साल के बाद फिर उधर से गुजर रहा था, देखा वो व्यक्ति जो चंदन की जो लकड़ी था ना पूरा बाग को, उसने पूरा काट करके जला करके कोयला दान में सब बेच दिया। बोले क्यों, अभी तू यही कर रहे हो? बोले हाँ, जो कर रहा हूँ वही कर रहा हूँ। बोले पागल, तेरे को बताए मैंने तेरे को क्या दिया था? अगर आप वृंदावन में जाओ, 1 किलो चंदन लकड़ी, प्योर चंदन लकड़ी ढूंढो, 25-30 हजार रुपया में भी आपको प्योर चंदन की लकड़ी आपको नहीं मिलेगी, 25-30 हजार दुनिया के देने पर नहीं, 1 किलो लकड़ी का कीमत। आप बताओ एक वृक्ष में कितना किलो लकड़ी होगा? 1000 किलो लकड़ी होगा। मतलब एक के जो वृक्ष था करोड़ अरब खरब रुपया था एक जो वृक्ष, लेकिन तुमने क्या किया, सारे पेड़ को काट करके तुमने जला करके कोयला बना करके तुमने बेच दिया। ये चीज को समझो, राम भगवान राम यही समझा रहे हैं जीवों को, जिस शरीर से कहते साधन धाम मोक्ष करे द्वारा, केवल इसी शरीर में ही हम भगवान की भक्ति करके ये संसार से हम पार हो सकते थे, लेकिन हमने ये शरीर पार करके किया क्या? वो जानवर जो काम करते ना खाते पीते मर जाते, हम भी यही से काम किया, हम भी यही काम करके मानव शरीर को थोड़ा लिखा पढ़ा सीख गए, शादी कर लिया, 2-4 बच्चे हो गए, शादी का दिन मर गए। हाँ देखो, हमारे गुरु जी कहते थे एक समय कोई एक बोकिल था, वो सूट बूट पहन करके जा रहा था, देखा एक सुअर लेटा हुआ, वो बूट से सुअर को बड़े जोर से मारा। सुअर कहता है भैया मेरे को तू मार रहे क्यों? बोले तू सुअर है ना? बोले तू कौन? दिख नहीं रहा, मैं जज हूँ। देखो सुअर क्या प्रश्न करता है, सुअर प्रश्न करता है ये बताओ तू मेरे से किस चीज काम से बड़े हो? बोले पूछ लो। सुअर ने कहा तेरे कितने बीबी? बोले एक। बोले जानते हो मेरे कितने बीबी? 15-20 देखी हम लेट हुए, सब मेरे बीबी सबके साथ में रहता। सुअर के दूसरे प्रश्न है ये बताओ साल में तुमने कितने बच्चे जन्म देते? बोले एक। बोले जानते हो मैं एक साथ में कितना? 1 दर्जन से कम नहीं, कभी कभी 15-20 भी हो जाता है, इसमें तुम फेल हो। बोले ये बताओ बच्चों को पालन करने के लिए तुमने कितने उम्र बिताई? समझो 20-25 साल लगता है, लिखा पढ़ा सिखा करके नौकरी चाकरी दे करके उसको शादी शुदा जब तक नहीं कर लेते हैं ना, तब तक पिता माता सोचते हैं हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी नहीं होगी। अगर कोई बच्चा अगर निकम्मा हो गया ना, निकम्मे, अब देखना जिंदगी भर के लिए पिता माता की सर का बोझ बन जाता है, हैं बोझ बन जाता है। वो सुअर कहता है ये 15-15, 20-20 बच्चों को कुल 1 महीना में मैंने इनको बड़ा करके छोड़ देता हूँ, भैया तुम भी अपना घर गृहस्थी संभाल। वो अपना घर गृहस्थी संभाल लेते हैं, हमें नो टेंशन, हमारे कोई टेंशन नहीं। तो उसने चौथा प्रश्न करता है, तेरे ध्यान देकर इसको बहुत अच्छी बात भी यहाँ समझा रहे सुखदेव गोस्वामी है, बहुत अच्छी चीज को समझा रहे हैं। कह रहे ये बताओ तुमने ये खाने पीने के लिए संसार के लिए तुमने क्या किया? बोले पहले माइनर स्कूल में गया, फिर हाई स्कूल में गया, फिर यूनिवर्सिटी गया, फिर कोई डिग्री प्राप्त की। बल्कि उसको बाद में कद बड़ी कष्ट से एक नौकरी, हमने चाकरी नौकरी ढूंढी। बोले उसमें बोले 8 घंटा 10 घंटा 12 घंटा फिर काम करना पड़ता है, फिर जाकर के पैसा कमा करके फिर हम ये परिवार को हम मेंटेनेंस करता हूँ। सुअर कहता है मैंने खुद खाने के लिए और बच्चों को पालना करने के लिए कोई माइनर स्कूल नहीं गया, कोई हाई स्कूल नहीं गया, कोई यूनिवर्सिटी नहीं गया, कहीं नौकरी चाकरी नहीं करता हूँ, आसानी से मेरे खाना मिल रहा है, आसानी से मैं खा रहा हूँ और बच्चों को मैं पाल रहा हूँ। उसने कहा रात को नींद आती है तुम्हें? अगर किसको संसार का ज्यादा टेंशन होना, बोले तेरे को एयर कंडीशनर रूम में डल्लब गति में नींद नहीं आती होगी, गोली खाने पर मैं कीचड़ में नो टेंशन आराम से सोता हूँ, मैं कोई टेंशन नहीं है। इसलिए यहाँ सुखदेव गोस्वामी कहते हैं अगर ये मानव शरीर पा करके समझो हमने संसार का सारे कर्तव्य हमने चुकाया,
लेकिन अगर एक कर्तव्य अगर पालन नहीं किया ना, वो कर्तव्य है भगवान की भक्ति अगर नहीं किया तो कहते समझो तुम केवल आया और संसार से गया, केवल आया और संसार से गया, तुमसे कुछ नहीं हुआ है। इसलिए यहाँ श्री सुखदेव गोस्वामी कहते परीक्षित, ये मानव शरीर नहीं, इसी शरीर के द्वारा भगवान की भक्ति करके हम ठाकुर पाद को पास में हम जा सकते हैं। इसलिए ये जीवन पाक क्या करो, बोले स्मर्तव्य कृतितव्यस्य स्मर्तव्य इच्छता भयम्। अगर जीवन में अभय बनना चाहते हो भगवान की कथा सुना, भगवान की स्मरण करो और भगवान की कीर्तन करो, भगवान की कीर्तन करो। जितने भक्ति में सर्वश्रेष्ठ जो भक्ति कलयुग में क्या है, बोले कलयुग के बलना महाधार, कलयुग के झाड़ू लगाती थी ना, क्या सोच करके कहते आज मेरे अंगना में आई और नंदलाल आई और गोपाल दर्शन के प्यासी हो जाए। आज मेरे अंगना में आई और नंदलाल आई और गोपाल दर्शन के प्यासी हो जाए। जो काम करती थी हाथों में काम और मुंह में ठाकुर जी की नाम जप करती थी, बच्चों को थपथपे लगा कर सुलाती। इसलिए गोपियां घर में झाड़ू लगाती हैं और बच्चों को थपथपे लगा करके सुलाती हैं, इधर बच्चों को थपथपे लगा कर सुलाती, उधर क्या करती है, उधर ठाकुर जी की नाम लेती है। जैसे छोंक दे रही, तेल में छोंक देती है कि नहीं, उसमें देखना जब जीरा और मिर्च डालो ना काला हो जाता है, लेकिन वो काले को देख कर उनको याद किसकी आती थी, कन्हैया को, उसको देख करके कृष्ण को याद उनका आया करती थी हैं। इसलिए हर कामों में केवल ठाकुर को दर्शन करती थी, ठाकुर जी की सेवा मान कर करती थी। वो भी साधु संन्यासी के आगे साधु संन्यासी नहीं थे, वो भी अपना घर गृहस्थ करती थी और भगवान की नाम जप करती थी। यहाँ पर श्री सुतो गोस्वामी कहते हैं भगवान कलयुग में सबसे सरल उपाय रखे भगवान के नाम को जप करो हैं। इसलिए महाप्रभु कहते हैं बोले नाम नाम कारी बहुधा
निज सर्वशक्ति स्तत्रार्पिता नियमित स्मरणेन कालम। महाप्रभु बोले भगवान के अनंत नाम है, हरि अनंत, हरि कथा अनंत, अनंत ठाकुर का नाम कृष्ण गोविंद श्याम सुंदर, कितने ठाकुर जी का नाम है। कलयुग में उन्होंने सारे शक्ति नाम में रख दिया, इसलिए कहते हैं ना हरि से बड़ा हरि का नाम, प्रभु से बड़ा प्रभु का नाम, हरि से बड़ा हरि का नाम, हरि से बड़ा प्रभु का नाम। भगवान ये नहीं बताए, देखो जब पवित्र अवस्था में हो केवल मेरे नाम को लेना, लेकिन जब अपवित्र अवस्था में मेरे नाम को नहीं ले सकते, ठाकुर ये भी नहीं बताए। बोले हर समय पवित्र अपवित्र किसी अवस्था में भी मेरे नाम को तुम ग्रहण कर सकते हो। ठाकुर जी इतने उन्होंने सुजग दे दिया, लेकिन महाप्रभु दुखी होकर कहते हैं मैंने तो इतने सुजग दे दिया, लेकिन तब भी ये कलयुग में जीव भगवान की भक्ति कर ही नहीं रहे, तब भी ठाकुर का नाम नहीं लेते हैं। देखो छोटी सी स्टोरी सुनो कि रामायण कथा ठाकुर का नाम में कितनी शक्ति है। एक समय एक राजा था, हैं? वो राजा सुकात पर एक समय सत्संग करने जा रहा था, बीच में नारद जी मिल गए। हम कहते ना कुंतु क्या नारद जी का काम करते हैं, नारद क्या करते झगड़ा लगाते थे ना। एक दिन नारद जी बीच में मिले, बोले भैया इधर आ, क्या बात, कहाँ जा रहे हो। बोले सुमेरु पर्वत में सत्संग में जा रहा हूँ, बड़े बड़े संतों का समागम होएगा। बोले देख बेटा एक काम करना, सारे संतों को तो चरण छूना, देखना बीच में से विश्वामित्र भी होएंगे उनका चरण नहीं छूना। बोले क्यों, जब सारे संतों को चरण स्पर्श करेंगे विश्वामित्र को भी चरण स्पर्श करेंगे, उनको चरण स्पर्श क्यों नहीं करेंगे। बोले बोल दिया ना, वो भी पहले ब्राह्मण थे, पहले वो भी राजा थे, वो राजा थे फिर उन्होंने ब्राह्मण बने, इसलिए तुम भी राजा पहले, तुम भी राजा हो, उनका चरण छूने का जरूरत है। बोले जैसे आपका आदेश है। सारे संत बैठे थे लाइन करके, उनने सबका चरण को स्पर्श की, लेकिन बीच में जो विश्वामित्र बैठे हुए थे उनके चरण स्पर्श नहीं किया। देखो जब सभी संत लाइन में बैठे हैं, सबका चरण छुओ, एक का चरण मत छुओ, क्या होगा बताओ, क्या होगा बताओ, अपमान होगा ना। विश्वामित्र को, इतने बड़े विश्वामित्र प्रभु राम के गुरुदेव है, भगवान राम के शिक्षा गुरु है, अगर उनके चरण नहीं छुओ तो क्या होगा। इतने क्रोध उनको आया, इतना क्रोध आया, जब सत्संग समाप्त हुई ना, सीधा उन्होंने आए अयोध्या में। उसी समय भगवान राम विश्राम कर रहे थे, लक्ष्मण पहरा दे रहे थे। लक्ष्मण जी को बोले अभी अभी मैं प्रभु राम से मिलना चाहता हूँ। बोले प्रभु राम अभी सो रहे हैं। बोले जिस देश का राजा सोता है उसी देश में ही अनीति होता है। बोले भैया क्या अनीति, क्या बात। बोले राम को मैं बताऊंगा, अभी अभी राम से मिलना। भगवान राम विश्राम कर रहे थे, जब उन्होंने हई होला सुने, ठाकुर जी की नींद खुल गई, बाहर निकले तो गुरु जी को देखा, आकर के गुरु जी के चरण में गिर गए। देखा गुरु जी तो बड़े क्रोधित है। बोले गुरु जी क्या बात, आप इतने क्रोधित क्यों। बोले मेरी बात नहीं, ये साधु परंपरा के अपमान है। ये राजा सुदांत ने सारे संतों को प्रणाम की, लेकिन केवल मेरे चरण में अपना सर नहीं झुकाया। भगवान राम को क्रोध आया। बोले जिस राजा ने मेरे गुरु जी के चरण में अपना सर नहीं झुकाया, कल से मेरे उसका सर बदल। भगवान राम ने प्रतिज्ञा ली, और भगवान का प्रतिज्ञा तो सत्य व्रत है, वो जो संकल्प करते वो सत्य होता है। अभी ये बात धीरे 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 सुकांत जी के कान में गया, भगवान राम ने प्रतिज्ञा की कल सवेरे मेरे सर कत्ल कर देंगे। अभी तो रोने लग गए,
अभी नारद जी को ढूंढ रहे हैं, भैया नारद जी क्यों ये लड़ाई झगड़ा लगाए, बोले सबको प्रणाम करो और प्रणाम मत करना विश्वामित्र जी को, अभी भगवान सवेरे मेरे सर कलम करने वाले। अभी ढूंढ रहे नारद जी का, अभी नारद तो मिल नहीं रहे, बोले हे भगवान जब मैं नहीं ढूंढ रहा था तब तो मिल गए, अभी ढूंढ रहा हूँ अभी मिल नहीं रहे। अभी रोने लग गए तो नारद जी कीर्तन करते करते नारद जी पधारे, बोले क्या बात है, बोले कल भगवान मेरे प्रतिज्ञा की, बोले कल सबर गला काट देंगे, हैं कल भगवान हमें गला काट देंगे। बोले अच्छी बात है, ठाकुर जी का हाथ में मरोगे तो मुक्ति मिलेगी। बोले मैं मरना नहीं चाहता हूँ। बोले बताओ दुनिया में कोई मरना चाहता है, बताओ कोई मरना चाहते हो? बोले नहीं, कोई थोड़ी मरना चाहते। बोले नहीं मैं तो मरना नहीं चाहता, गुरु जी कुछ व्यवस्था करो। बोले ठीक है एक काम करो, जाओ माता अंजना जी के शरण में चले जाओ। बताओ तो अंजना कौन है? हनुमान जी की माता है, मैया बड़ी दयालु होती है, माता का हृदय बड़ी कोमल होता है, जब मैया के पास में चले जाए। अभी वो जा करके अंजना की चरण पकड़ के रोने लग गए, मैया के हृदय तो माँ के हृदय ना बड़ी जल्दी पिघल जाती है। बोले बेटा क्या बात है बताओ, बोले ये प्रतिज्ञा करो मेरे को प्राण दान कर दो, मैं बताऊंगा नहीं तो नहीं बताऊंगा। बोले मैं प्रतिज्ञा करता हूँ तुमको प्राण दान करूंगा, बताओ क्या बात है? बोले कल सवेरे विश्वामित्र मेरे को मारना चाहते हैं। बोले विश्वामित्र? बोले हाँ। बोले ठीक है बेटा एक काम कर, अंदर में बैठ जाए। अभी हनुमान जी प्रभु राम की सेवा करते हुए शाम को वापस आए, देखा मैया दरवाजा में बैठी करके बड़ी दुखी। हनुमान जी पहले माता जी की चरण छुए, बोले माता जी हनुमान जैसे बेटा रहते हुए अगर माता जी के दुख तो बेटा का जीवन बेकार है। मैया बताओ क्या बात है तू दुखी क्यों? बोले बेटा एक शरणागति व्यक्ति को प्राण देना पड़ेगा। बोले मैया मैं होना चिंता क्यों करते हो, मैं प्रतिज्ञा करता हूँ उसको मैं प्राण दान दूंगा। इतने में बुलाया सुकांत को, सुकांत जी बाहर आए। हनुमान जी पूछे क्या बात है? बोले कल भगवान राम मेरे को मारना चाहते। अंजना बोली तू तो बता रहा था विश्वामित्र मारेंगे, तो राम 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 की बात बीच में कहां से आ गई? बोले विश्वामित्र जी राम को द्वारा मरवाना चाह रहे। हनुमान तो बीच में फंस गए, क्योंकि और अगर कोई व्यक्ति होता तो हनुमान देख लेता, अगर उनकी प्रभु अगर प्रतिज्ञा की फिर हनुमान कैसे बचा सकते हैं। बोले तुम तो मेरे को बुरी तरह से फंसा दिया, देखो भक्त शरण में जाओ तो कितने लाभ है। बोले ठीक है बेटा कल मैं देखता हूँ। हनुमान जी एकदम सवेरे सवेरे अयोध्या में पहुंच गए, देखा भगवान राम एकदम सर धज करके चतुरंग की सन्नी को लेकर जा रहे थे। बोले प्रभु अब कहाँ जा रहे हैं इतने सवेरे सवेरे सज कर दी? बोले मैं सुकांत को मैं मारूंगा। बोले प्रभु क्यों एक जीव को मारो तो छोड़ दो ना? बोले उसने मेरे गुरु जी के चरण में सर नहीं झुकाया, जिस दुष्ट ने मेरे गुरु जी के चरण में सर झुकाया नहीं उसका सर मैं काट दूंगा। बोले ठाकुर जी मैंने भी प्रतिज्ञा की उसको रक्षा करने के लिए। बोले तुमने कैसे बीच में रक्षा करने के लिए आए? बोले ठाकुर जी मेरे को पता ही नहीं था, मेरे तो बीच में फंस गया मैंने। बोले जा तू जो कुछ करना कर ले, लेकिन मैं उसको मार करके रहूंगा। हनुमान जी आए और सुखा तो लेकर चले गए। बोले बेटा मेरे साथ में चलो, लेकर के उसको अपना पूछ को नीचे बैठा दिया। बोले दोनों बैठ करके ठाकुर का नाम जप करो। दोनों बैठ करके बोले रघुपति राघव राजा राम पति का पावन राम से बचा लेगा।
बोले चिंता मत करो, भगवान के नाम जप करते रहो, प्रभु का नाम जप कर कोई चिंता मत करो। एक तो डर से जप कर रहे हैं, कौन श्री सुकांत डर से, और एक प्रेम से नाम ले रहे हैं। प्रेम से कौन नाम ले रहे हैं? हनुमान जी। डर से नाम कौन ले रहे हैं? सुकांत जी। इतने में भगवान राम ढूंढते ढूंढते आए कि गया कहां दुष्ट, पहुंचे हनुमान जी के घर में। बोले सुकांत गया कहां? बोले एक बंदर उसको कहां लेकर गए। बोले भैया कौन बंदर? समझ गए हनुमान जी लेकर गए। आकर के देखा दोनों बैठ करके प्रभु का नाम जप कर रहे हैं। इतने में भगवान राम उठाया धनुष, क्या तो प्रभु का बाण कैसे जानते हो? जब भगवान अपना तीर को स्पर्श करते हैं ना, वो एक गुना होता है। जब वहां से निकालते हैं वो 100 हो जाता है। जब चढ़ाते हैं हो जाता है 1000। जब खींचते हैं वो हो जाता है 1,00,000। जब छोड़ते हैं वो हो जाता है 1,00,00,000। और जब लगता है ना वो प्राण को ले लेता है। मतलब भगवान की जो बाण है अचूक है। आप लोग रामायण देखे होंगे ना, रावण को जब उन्होंने निहत्या कर दिए, रावण कहता है मेरे ब्रह्मा जी को साथ में भी युद्ध की, शंकर जी को साथ में भी मैंने युद्ध की, विष्णु का चक्र तो साथ में भी युद्ध की, लेकिन पता नहीं ये रावण राम कब बाण चढ़ाते हैं और कब बाण मारते हैं, कब प्रहार करते हैं, उनको पता ही नहीं चलता है। ये राम की बाण कैसे है? देखो ठाकुर जी के नाम में कितने सच्ची चीज को समझो। जब भगवान राम को राम ने बाण प्रहार करते हैं, लेकिन दोनों क्या करते हैं? ठाकुर जी की नाम जप कर रहे हैं। और नाम रूपी जो चक्र है ना, चारों तरफ में घिरा हुआ है। भगवान का नाम ले रहे हैं ना, वो नाम रूपी चक्र चारों तरफ में घूम रहा है। भगवान राम तो बाण मारते हैं, वो बाण तो जाता है, लेकिन ठोकर लगकर के सामने आ जाओ, वो ठोकर लगकर के वो बाण गिर जाता है, वो बाण कुछ नहीं हो रहा है। भगवान राम ने तो कहा भैया ये क्या बात है, ये तो बाण को मैं मारता हूँ लेकिन मेरी बाण कोई काम नहीं करता है। बोले क्यों नहीं करता है? वो ठाकुर जी का नाम ले रहे हैं। ठाकुर जी का जो नाम है हरि से बड़ा, हरि से बड़ा हरि का नाम है हरि, हरि से अभी कुछ नहीं हो रहा है। लक्ष्मण जी ने देखा भाई ये क्या हो रहा है, ये ठाकुर जी को तो ये तंग कर रहा है। इसलिए लक्ष्मण को तो बड़ा मैं बता दूंगा, आप चुपचाप बैठो मैं बोल दूंगा आप बैठो। इसलिए उन्होंने देखा ये तो प्रभु को ये तो तंग कर रहा है, हनुमान तंग कर रहा है। इतने में उठाया लक्ष्मण और बाण, सुकांत तो उसको पूछ के नीचे बैठा हुआ, उसने सुकांत तो को क्या मारेगा, सुकांत तो को पीछे है ना, उन्होंने सीधा बाण उठा करके हनुमान को मारे। हनुमान को मारे तो बाण लगा तो हनुमान का छाती में। इतने में भगवान राम बेहोश हो गए। राम क्यों बेहोश हो गए? क्योंकि हनुमान के हृदय में कौन बैठे? राम बैठे। हनुमान के हृदय में राम का निवास है, इसलिए बाण लगा तो हनुमान से, लेकिन राम ने बेहोश हो गया। जब प्रभु राम ने बेहोश हो गए, बोले भैया राम कैसे बेहोश हो गए? इतने में राम को जब होश कराए, राम ने सुकांत को पूछा, सुकांत ये बताओ तुमको कौन सा असत संग से तुम्हारी ये ज्ञान हुई, तो मेरे गुरु जी के चरण में प्रणाम नहीं किया, कौन सा असत संग से हुई? बोले ठाकुर जी असत संग से नहीं सत्संग से हुई है। बोले सत्संग कौन सा सत्संग से? बोले नारद जी के सत्संग से। इतने में नारद जी को बुलाए, बोले नारद जी ये बताओ तुमने इसको ये द्रुपदी कैसे दिया? बोले ठाकुर जी जानते हो मैंने ये लीला क्यों रचा है? बोले क्यों? बोले जहां जहां मैं जाता हूँ सबके सब एक ही प्रश्न करते हैं, हरि बड़ा ना हरि का नाम बड़ा, सारा दुनिया एक ही प्रश्न करते हैं। अभी मैंने सोचा भैया कितने को भी उत्तर दूं, ऐसे एक काम करो दुनिया को ये पता चले जाए। क्या पता चले? हरि से बड़ा हरि का नाम, प्रभु से बड़ा हरि से बड़ा हरि का नाम, प्रभु से बड़ा प्रभु का नाम, अंत में Thank you.
साक्षात रूप में लोगों को दिखाना चाहता था हरि से बड़ा हरि का नाम। रामचंद्र बोले नारद जी अभी बताओ, अभी गुरु जी को मैं क्या मुंह दिखाऊं? गुरु जी के लिए मैंने प्रतिज्ञा किया ना, सवेरे सुकांत का सर काट दूंगा, अभी गुरु जी को मैं क्या बताऊं? इतने में सुकांत जी आओ। जब सुकांत जी आ गए, श्री नारद जी बोले सुकांत जाओ जल्दी जल्दी, विश्वामित्र जी आए बोले विश्वामित्र के चरण में गिर जाओ। अभी उन्होंने विश्वामित्र जी के चरण में उन्होंने गिर पड़े। जो संत लोग है ना, संत क्या करते, संघार नहीं, संत संभालते, संत संघार नहीं करते, संत क्या करते हैं, संभालते रक्षा करते हैं। कितना संत हृदय नव नीत समाना, संतों का हृदय बड़ा कोमल है। जब उन्होंने उनकी संत की चरण में गिर पड़े, इतने में से विश्वामित्र जी प्रसन्न हो गए और विश्वामित्र जी बोले राम ये प्रतिज्ञा मैंने, मेरे लिए तुमने प्रतिज्ञा ली थी ना कल सुकांत के सर काट दोगे, मैंने ये प्रतिज्ञा को वापस लेता हूँ, तुम भी अपना प्रतिज्ञा को वापस ले लो। फिर उन्होंने प्रतिज्ञा वापस ली, भगवान राम ने प्रतिज्ञा को वापस ले। देखो ये चीज को समझो, भगवत नाम में इतने शक्ति है, अगर कोई भगवत नाम को कोई अगर उच्चारण करे ना, भगवान राम भी उसको नहीं मार सकते। जो भगवान की राम बाण अचूक है, लेकिन अचूक प्राण भी अगर कोई प्रभु की नाम की सहारा ग्रहण करे, भगवान बाण भी वहां पर फैल हो जाता है। इतने कलयुग में ठाकुर जी के नाम में इतने शक्ति है। हाँ ध्यान देकर सुना, हमारे संप्रदाय में एक संत हुए हैं जिनका नाम से रूप गोस्वामी। देखो क्या कहते हैं, ठाकुर का नाम जो लेता है क्या लाभ। अगर जो व्यक्ति ठाकुर का नाम जप करना शुरू कर दिया, केवल ठाकुर का नाम जप शुरू कर दिया, कहते उसको तीन काम प्रारंभ हो जाता है। बोले तीन काम किया, बोले नरक में जब महाराज चित्रगुप्त को कहते, बोले चित्रगुप्त जी इसको रजिस्टर से नाम को काट दो। चित्रगुप्त कौन है, चित्र मतलब होता है फटो, गुप्त मतलब गुप्त रूप में जो सारे हमारे फटो को खींच रहे हैं, मृत्यु के बाद में सारे लिखा जोखा उसके पास में होता है। हम जैसे जैसे कर्म करते हैं वैसे फल भोगना पड़ता है, जो सारे हमारे डायरी सब लिख रहे हैं सब के सब। इसलिए जब महाराज कहते उसको रजिस्टर से नाम काट दो, मतलब क्या, अभी वो ठाकुर का नाम जब करना शुरू किया अभी वो कभी नरक में नहीं आएगा। बोले दूसरा काम क्या होता है, बोले राधा रानी गोलोक वैकुंठ वृंदावन में अपना सहचरियों को सखियों को कहती है रजिस्टर में इसका नाम लिख दो, रजिस्टर में इसका नाम लिख दो। बोले क्यों, अभी वो व्यक्ति गोलोक वृंदावन आएगा, क्यों, भगवान के नाम जप कर रहा है। तीसरा काम कहते ब्रह्म लोक में ब्रह्मा जी आरती का थाला सजाना शुरू कर देते हैं। बोले क्यों, बोले जब वो गोलोक वृंदावन जाएगा, वो भूर भुव मोह जन तप सत्य लोग को पार करते करते जाएगा, जब वो ब्रह्म लोग को पार करेगा मैं उसको आरती उतारूंगा, मैं उसको आरती उतारूंगा। कहते तीन काम उसका शुरू हो जाता है। ये ठाकुर जी के नाम में इतने शक्ति है। और भगवान कपिल देव अपना माँ को क्या कहते हैं, बोले माँ देखो ध्यान देकर सुनो, ये नाम जप करने का कितना महत्व है। कहते माँ जो व्यक्ति मेरे नाम जप करते हैं उसको ये समझो पूर्व जन्म में उसने चार काम करके आया है, तभी इसी जीवन में वो मेरे नाम को जप करता है। बोले क्या करके करते करते आए, बोले पूर्व जन्म में सारे तपस्या कर चुका है, पूर्व जन्म में सारे यज्ञ कर चुका है, पूर्व जन्म में सारे तपस्या कर चुका है, अब पूर्व जन्म में सारे तीर्थ को भ्रमण कर चुका है, तभी इसी जीवन में कहते जीवा में नहीं जीवाद्रे, कहते अहो बद सपोच अतोगरिया। भगवान कहते अहो, अहो मतलब क्या है, जैसे कोई आश्चर्य चीज हम देखते हैं ना, कहते भैया क्या आश्चर्य है, क्या आश्चर्य, कहते हैं ना क्या आश्चर्य देखा। इसलिए भगवान कहते हैं जो व्यक्ति बोले संपूर्ण जीवा में नहीं, जीवा के अग्र देश में जो केवल ठाकुर जी का नाम लेते हैं, भगवान कहते अहो बद सपोच अतोगरिया, सपोच मतलब होता है चंडाल, जो कुत्ते का मांस खाने वाले हैं वो सबसे जो विकृष्ट जाति, कहते अगर वो व्यक्ति भी ठाकुर जी का नाम लेते हैं क्या समझो पूर्व जन्म में उसने सारे सत्कर्म करके आए। कहते भैया अगर
संपूर्ण जीवा में नाम लेता है, बोले और महिमा, बोले अगर दो कानों में अगर कथा सुनते हैं, बोले उसका तो महिमा हम बता ही नहीं सकते हैं। अगर दो हाथों से कोई ठाकुर को सेवा करते हैं, बोले उसको और महिमा। अगर इन्हीं आंखों से अगर ठाकुर को दर्शन करते, बोले और महिमा। अगर कोई घर से सत्संग के लिए भागवत कथा के लिए आते हैं, बोले भैया उसकी महिमा तो हम बता ही नहीं सकते। इसलिए कृष्ण गीता में कहते हैं, अर्जुन मेरे जो भक्ति करते हैं ना, वो साधारण व्यक्ति नहीं, सुदुर्लभ प्रसाद आत्मा कोटि सोभी महामुनि, करोड़ करोड़ में कोई विरल व्यक्ति होते हैं जो मेरे नाम को जप करने करता है। इसलिए देखो, इसलिए श्री सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, हे परकी, अगर तू ये भव सागर से पार होना चाहते हो, केवल एक ही काम करो। इसलिए कलयुग केवल नाम आधारा और सुमेरी सुमेरी नरा उतर नहीं पारा। लेकिन महाप्रभु दुखी होकर के एक बात कहते हैं, लेकिन इतनी सी बात समझ लो, भले कलयुग में मैंने इतने आसानी कर दिया ठाकुर का नाम, लेकिन तब भी लोग ठाकुर का नाम नहीं लेते, बैठ करके उसकी चुगली उसकी निंदा इधर उधर करेंगे, लेकिन ठाकुर जी की नाम ग्रहण नहीं करते हैं। एक बार हाथ उठा कर बोलो, बोलो हरे कृष्णा 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 हरे साल भर करके ठंड ठंड थोड़ी थोड़ी ठंड पड़ रही है।
और सो गए सब, ऐसा लग रहा है। क्योंकि मैं राजस्थान गया था, वहां एक माता जी मिली मुझे, तो माता जी आकर के बोली, बेटा थाने के बोलो। मैंने कहा माता जी बोलो। बोले क्या बोलूं, कथा तो इतनी मधुर है, इतनी मधुर है। मैंने कहा माता जी बोलिए, कथा में क्या सुना आपने। बोले वो थाने पहुंचे कोनी पातो, राजस्थान में झालावाड़ थाने मुझे कोनी पतो। कहा सुनो, देखिए बच्चे देश का भविष्य है, इनको अपने अपने संभाल के बैठे, हमारे काम में बदा न डाले। तो बात ये है, बोले थारे कोणी पतो, कहा सुनो। मैंने कहा माता जी बोलिए, कथा में क्या क्या सुना आपने। बोले कहा बोलो बेटा थाने। मैंने कहा बोलो माता जी। बोले मैं दिन में 10-10 गोली खाऊं तो मानी कोनी नींद आवे, और थारी कथा में बैठते ही नींद आ जा। ठीक है, तो आप मुझे लगता है आप लोग जब ताली नहीं बजाते हो, मुझे लगता है कि नींद आ रही है। प्रेम से गाएंगे ताली बजा कर। राम सिया राम, सिया राम। कमर में एक तलवार रहता है, उनका एक अलग पत्थर है, अलग मार के है, वो भी भक्त है। तो ऐसे पंजाब में मैं गा रहा था, तो पीछे कुर्सी में वो बैठे थे और यूं यूं तलवार घुमा रहा था। मैंने कहा राम सिया राम, वो भी यूं में घुमाए तलवार। फिर कुछ देर बाद आकर के सामने आए, सामने आकर के तलवार को यूं घुमाया, और मुझे तो डर लगा। मैंने कहा क्या बात है भैया, गाने के लिए मना कर रहा है, क्या है मामला। तो बोले भाई, मैंने कहा क्यों ऐसा तलवार क्यों घुमा रहे हो भाई, मुझे डर लग रहा है। बोले नहीं नहीं, तुम तो गाओ, तुम तो गाओ। मैंने कहा तो फिर। बोले तुम्हें जो बुलाया है उनको ढूंढ रहा हूं। राम सिया राम, सिया राम। में डाला और पत्थर डूब गया, दूसरा पत्थर लिया समुद्र में डाला डूब गया, तीसरा लिया छोड़ा डूब गया। तो पीछे बैठे थे हनुमान, बोले ये क्या नाटक कर रहे हो रघुनंदन राम। बोले एक बात बताओ, तुम लोग पत्थर पानी में डाल रहे हो, पत्थर तैर रहा है, लेकिन मैं जब डालता हूं पत्थर क्यों डूब जाता है। राम जी ने बोला हनुमंत लाल से। तो हनुमंत लाल ने यहां पर लाख टका की बात कही, क्या बोले, देखो राम जी, आप जिसको छोड़ दोगे वो तो डूबेगा ही, आप जिसको छोड़ दोगे वो तो डूबेगा ही, लेकिन आपके नाम
जिसके जीवा के अग्रभाग पर अंकित है उसे लाख कोशिश करने के बाद भी आप डुबो नहीं सकते। क्यों? क्योंकि आपसे आपका नाम बड़ा है। इसलिए अभी महाराज जी सुना रहे थे नाम महिमा, आपसे आपका नाम बड़ा है। तो जब पत्थर तैर रहा था पानी में, उधर लंका में हलचल मच गया। बोले क्यों? बोले पंचवटी में बहुत बड़े दो मायावी आ गए, अब हम लोग नहीं बच सकते। लंका में हाहाकार मच गया, तहलका मच गया। बोले आप नहीं, हम बच सकते। बोले क्यों? बोले आप, हम जीवित नहीं रह सकते, वो बहुत बड़े मायावी है, पानी में पत्थर को तैरा दिया। तो रावण बोले ठीक है आ जाओ मेरे साथ, आ जाओ समुद्र किनारे। अब रावण ने एक पत्थर लिया, पत्थर में लिखा रावण, ये लिख करके छोड़ दिया। तो पत्थर तैरने लगा, पत्थर तैरने लगा तो आश्चर्यचकित हो गया सब, मतलब यक्ष राक्षस जितने थे सैनिक देख करके आश्चर्यचकित हो गया। बोले वाह, हमारे रावण भी कम नहीं है, पत्थर को तैरा दिया। अब शयन कक्ष में जब रावण गया तो मंदोदरी ने पूछा कि क्यों, तुम तो पत्थर तैरा नहीं सकते हो, कैसे तैरा पत्थर? तो रावण बोला देखो देवी, मैं तुम्हें सत्य बताता हूं। क्या? बोले ऐसा है, जब मैं पानी में पत्थर छोड़ रहा था उस समय मैंने बोला देख अगर डूब गया तो राम की सौगंध, हाँ इसलिए पत्थर तैर गया। बोले ओ अच्छा, मंदोदरी बोले ओ अच्छा, राम का नाम लिया। तो यहाँ पर भी नाम की महिमा है, रावण भी राम का नाम लिया तभी ये पत्थर तैरा। हो कहूं कहा सबको वृंदावन जाना है। कौन कौन वृंदावन जाएंगे? एक बार बोलो प्रेम से राधे 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 राधे। हाँ तो आइए, वृंदावन कैसा है?
कन्हैया चतुर्थी, जैसे कि मीनाबाई मीनाबाई दीवानी हो गई, मस्तानी हो गई, और इतना भी नहीं, वो साम रंग में अपनी चुन्नी को भी बदल दिया। उमीरा दीवानी हो गई, उमीरा इसलिए नित्य सेवा करनी चाहिए ठाकुर जी के साथ। इसलिए आइए सभी लोग मिलकर के अरे Yeah।
होगा। इसलिए सभी लोग कोई भी हो कोई बात नहीं, सभी लोग एक बार हाथ उठाए, हाथ उठाकर क्या बोलना है आपको? अरे वृंदावन में लोग क्या बोलते हैं? अच्छा राधे राधे बोलते हैं ना। आज क्या व्रत है कुछ क्या? आप लोग की आवाज बहुत दबा रहे, क्या बोलना है? जैसे माँ बच्चों को रखवाली करती देखती है, ये उसी तरह हमारे जो सोसाइटी में ये माँ की तरह है। हैं? आप लोग दिल्ली मेट्रो से कौन कौन जाते हो? एयरटेल जाते हो, वहां के प्रभु जी इंचार्ज है। केवल इंचार्ज नहीं, हमारे सोसाइटी में ये मेन व्यक्ति है। हैं? ये मेन व्यक्ति, ये रहने का नाते हम लोग को निश्चिंत होकर के जैसे भैया बच्चों को रखवाली करती है, खिलाती है, पिलाती है, उसी तरह ये हमें भी सारे काम सोसाइटी देखते हैं। इसलिए हम निश्चिंत हो करके हम इधर उधर प्रचार करते हैं। इसलिए प्रभु जी बड़े दयालु, बड़े कृपालु प्रभु जी। सबसे पहले ये हरिनगर में, जब गुरु जी यहाँ कथा करने के लिए सबसे पहले हरिनगर में आए हैं, इसलिए प्रभु जी सारे व्यवस्था प्रभु जी किए। गुरु जी को हर तरह से जो प्रचार दिल्ली में, सबसे जो प्रचार प्रभु जी गुरु जी की तन मन और धन से सर्वस्व दे करके उन्होंने गुरु जी की उन्होंने सेवा की। सबसे पहले इष्टों कैलाश में इनके घर में ये कथा प्रारंभ हुई, और कथा प्रारंभ होते होते जड़ से फिर दो शाखाए, फिर उसने टहनिया, फिर लता पता होते होते संपूर्ण दिल्ली को ये कवर कर लिया। लेकिन जो जड़ है ना इनके घर से, जड़ जो है ना इनके घर से प्रारंभ हुई है जड़। इसलिए प्रभु जी बड़े दयालु, बड़े कृपालु प्रभु जी, हम लोगों को हर तरह से प्रभु जी देखभाल करते हैं। इसलिए कोई सुविधा असुविधा हो और प्रभु जी को पास में जाकर के हम सब बात बोलते हैं, और प्रभु जी सारे सारे चीज को संभाल लेते हैं। इसलिए हम निश्चिंत होकर के सर्वत्र प्रचार और प्रसार करते हैं।
प्रभु जी की विशेष करके मेरे ऊपर में प्रभु जी की बड़ी दया है, मेरे ऊपर प्रभु जी की विशेष कृपा है। इसलिए प्रभु जी पहले बहुत बड़ी नौकरी करते थे, कहीं के एक ऑफिसर थे, लेकिन उन्होंने सारे पोस्ट को उन्होंने त्याग दी, गुरु जी की सेवा के लिए अपने सब कुछ त्याग दिए और सोसाइटी की सेवा कर रहे हैं, अभी भी कर रहे हैं, पहले किए थे बाद में भी आगे भी सब कुछ करेंगे। इसलिए प्रभु जी बड़े दया करके कृपा करके यहाँ पधार रहे हैं। अभी प्रभु जी आपको बड़ी प्यारी प्यारी प्रभु बड़े सुंदर सुंदर कथा भी सुनाते हैं। प्रभु जी आपको प्रभु जी बड़े सुंदर प्यारी प्यारी प्रभु को आप कथा सुनाएंगे। श्री रामचंद्र प्रभु की अज्ञान तिमरन रस्य ज्ञानंजन शलाक्या चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम विष्णुपदाय राधिकायै प्रियात्मने श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी इति नाम्ने श्री कृष्ण लीला कथने सुदक्षं अवतारे माधुर्ये गुणैश्च युक्तं वरं वरेण्यं पुरुषं महान्तं नारायणं तमां शिरसा नमामि। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिव सदी गौर भक्त वृंद सब बोलो हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। एक बार हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। मैं सबसे पहले अपने परम आराध्य नित्यलीला प्रविष्णो विष्णुपाद अष्टोत्तर श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी के चरणों में अनंत कोटि दंडवत अर्पित करता हूँ। तत्पश्चात पूज्यपाद श्री भक्ति वेदांत श्रीधर महाराज श्रीमद् भागवत कथा के व्यास उनके चरणों में हृदय से दंडवत अर्पित करता हूँ। समस्त वैष्णव वैष्णियों के चरणों में मेरा यथायथ दंडवत प्रणाम। वैष्णवों के चार संप्रदाय हैं, एक संप्रदाय लक्ष्मी जी से चला उसे श्री संप्रदाय कहते हैं, उनके आचार्य हुए श्री रामानुजाचार्य। एक संप्रदाय शिव जी से चला उसका नाम रुद्र संप्रदाय, उनके आचार्य हुए श्री विष्णु स्वामी। और एक संप्रदाय सनक संदन सनातन सनत कुमार, इन चार कुमारों से चला उनके आचार्य हुए निम्बादित्य। अब हम लोग यहाँ जो बैठे हैं ये वैष्णव परंपरा ब्रह्मा जी से चली, पहली चली लक्ष्मी, दूसरी बोली शिव जी, ये याद करने वाली चीजें हैं, तीसरी बोली सनक सनंदन सनातन सनत कुमार, और चौथी ब्रह्मा जी से, इनके आचार्य हुए श्री मध्वाचार्य जी, हम लोग मध्वाचार्य जी से हैं। इसी संप्रदाय में चैतन्य महाप्रभु जी आए और उन्होंने इस ब्रह्म मध्व संप्रदाय को एक नया मुखरित और ब्यूटीफुल रूप दिया, गौड़िया संप्रदाय करके, ब्रह्म मध्व गौड़िया संप्रदाय।
गौड़िया संप्रदाय का जो संक्षेप में सार है वो ये है, हाईएस्ट चीज को इजीएस्ट चीज से प्राप्त करना, समझ रहे हो इंग्लिश, सबसे ऊंची चीज को सबसे सरल उपाय से प्राप्त करना। सबसे ऊंची चीज है ब्रज की भक्ति, राधा जी की पाली दासी सेविका बन जाना सबसे ऊंची चीज है, और सिर्फ हरे कृष्ण महामंत्र की जाप से उसे प्राप्त करना सरलतम उपाय और दुर्लभतम प्राप्य वस्तु। जैन धर्म में एक घटना घटित होती है, ब्रजनाथ और विजय कुमार के पास रामानुज संप्रदाय के दो वैष्णव आए और उन्होंने कहा कि जरा कलयुग में नाम की महिमा भगवान को प्राप्त करने की जो उपाय है बतलाइए। इन्होंने सुना और सुनने के बाद संतुष्ट नहीं है, वो भी वैष्णव लोग, लेकिन नाम की महिमा इतनी श्रेष्ठ नहीं बता सके। साधन एकमात्र नाम है ये चीज नहीं बता सके, क्योंकि उनके संप्रदाय में अर्चन पूजा बहुत चलती है, लेकिन ये गौड़िया संप्रदाय इसका आधार क्या है? हरि नाम, नाम की महिमा है। पर नाम कैसे लिया जाए तो खुद महाप्रभु जी ने बतलाया, त्रिनादपि सुनिचेन तरोरपि सहिष्ण अमानिना मान देन कीर्तन्यो सदा हरि। तिनके से भी ज्यादा नीचा हो गए, अब तिनके से ज्यादा नीचा कोई हो क्या होगा, सब उसके ऊपर पैर रख के चले जाते हैं। तिनका कभी कभी थोड़ा सा उठा हुआ होता है, पैर रखते हैं तो दब जाता है, पैर हटाते हैं तो उठ जाता है, शायद इतना नीचे हो जाओ कि उठो ही ना, तिनके से भी ज्यादा नीचे हो जाए, कोई पैर रखे तो जब पैर हटाए तो उठो भी ना, इतना नीचे हो जाओ, तिनके से भी ज्यादा नीचा, पेड़ से भी ज्यादा सहनशील, पत्थर मारो तो फल देगा और कुल्हाड़ी मारो तो लकड़ी देगा, सर्दी में कहेगा नहीं मुझे हीटर लगाओ और गर्मी में कहेगा नहीं मुझे कूलर लगाओ, गर्मी में छाया देगा और सर्दी में भी आपका भला ही करेगा। फिर बाद में दो चीजें और कहीं बड़ी समस्या वाली बात, अमानिना मान देन, अमानिना मतलब मान लेना नहीं, और मान देन यानी मान सबको देना, ये ऐसे करके भक्ति करनी है, ये वैष्णव के गुण होते हैं। जब भक्ति करता है कोई जाप करता है नाम लेता है, इस वृत्ति के साथ नाम लेगा तो बहुत फायदा होगा। हमारे महाराज उसी कैटेगरी में आते हैं, खुद तो मान लेते नहीं है, सारा मान मुझे दे देते हैं, अभी तारीफ कर रहे थे ये करते हैं ये करते हैं ये क्या कर रहे थे, मुझको क्या दे रहे थे, अमानी ना खुद मान ले नहीं रहे थे और मेरे को मान दे रहे थे, क्यों? क्योंकि वो जानता है ये गधा होता है, जब तक गंदी ना मारो तो आगे नहीं बढ़ेगा, गधे को क्या चाहिए, घोड़ा चाहिए, मान का कोड़ा चाहिए, जब तक मान का कोड़ा नहीं चलेगा तब तक वो आगे नहीं बढ़ेगा। मेरे जैसे गधे को मान का कोड़ा चाहिए, कोई मान दे देता है फूल के कुप्पा हुआ मेरी स्थिति हो जाती है। ठीक है कोई बात नहीं, मुझे उन्होंने बताया आज यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण का जन्मदिन है, पर अभी तो वामन जी की सुनाए आने वाले हैं, दिल्ली दूर है, लेकिन मैं उसी परिपेक्ष में दो तीन बातें प्रश्नों के साथ उत्तर लेता हूं। दसवां स्कंद को लिखा श्री वेद व्यास जी ने, जिसमें ये सारी कथाएं हैं,
और हमारे आचार्यों ने टीका लिखी है। तो मैंने एक जमाने में ये टीकाओं के नोट्स बनाए थे, इसमें सारे नोट्स हैं 10वें स्कंद के। ये कृष्ण जन्म वाला ही पोजीशन है। तो अब इसको पढ़ के सुनाऊंगा तो कम से कम 6 महीने लगेंगे, एक दिन भी नहीं लगेगा, 6 महीने लगेंगे। हमारे कुछ बार भक्ति विधान तीर्थ महाराज जी ने टीकाओं का हिंदी में अनुवाद दिया है, उसमें 2-3 टीकाएं डाली हैं। एक जीव गोस्वामी जी की टीका वैष्णव दर्शनी, एक श्री विश्वनाथ चक्रधीपा जी की टीका सारार्थ दर्शनी, और एक कुछ आचार्यों की टीका जिसमें गुरुदेव का भी इसमें समावेश है, उसका नाम रखा भाव प्रकाशिका वृद्धि। 3 टीकाएं डाली हैं। तो मैं उन टीकाओं के द्वारा किए गए प्रश्न, पहला प्रश्न ये पूछा गया उसमें, वसुदेव और देवकी का ब्याह हुआ और उनको बोला गया कि तुम उनकी 8वें संतान के द्वारा मारे जाओगे। कंस ने उनको जेल में कर दिया। अब उनके संतान हो रही है, पहली हुई कंस ने मार दी, दूसरी हुई मार दी, 6 संतानें मारी। वसुदेव जी की उम्र अधिक हो चुकी थी, अब कितनी अधिक हो गई समझ लो, 50 वगैरह क्रॉस कर चुके थे। देवकी छोटी थी, वसुदेव उम्र में अधिक थे, उनकी और भी शादियां हो चुकी थी, लेकिन वो संयत थे, इंद्रियों पे उनको फुल कमांड था। तो प्रश्न ये है कि वो क्या संन्यास नहीं ले सकते थे? छोड़ देते भाई, मैंने संन्यास लिया, अब मैं बच्चा ही नहीं पैदा करूंगा, ना बच्चा पैदा हो ना कंस मारे। लेकिन बच्चा पैदा करके वो भी हर साल 6 बच्चों को मारने में उन्होंने योगदान दिया। इन्होंने वसुदेव जी ने 6 बच्चों की मृत्यु का योगदान दिया। और ऐसा क्यों किया? तो इसके उत्तर में कहते हैं श्री विश्वनाथ चक्रधीपा जी, कहते हैं वसुदेव देवकी मनु और सतुरूपा थे पिछले जन्म के। इन्होंने शादी करने के बाद कहीं हनीमून पे नहीं गए, जंगल में जाके तपस्या की कि हमें संतान मिले तो भगवान जैसी मिले। भगवान प्रसन्न होके इनके सामने आए, भगवान ने आशीर्वाद दिया है कि मेरे जैसा तो कोई होगा नहीं, मैं ही तुम्हारी संतान बन के आऊंगा। तो वसुदेव देव की वो आशीर्वाद प्राप्त किए हुए भगवान के कृपा प्राप्त पात्र थे। बात समझ आ रही है ना? उनको मालूम था कि भगवान हमारे पुत्र बन के आएंगे। उनको ये मालूम था कि भगवान पुत्र बन के आएंगे, इसलिए उन्होंने भगवान को अपने घर में लाने के लिए ये जघन्य कृत अपने आंखों के सामने देखा। वो 8वें पुत्र को अधिक अधिक से अधिक जल्दी अपने घर में लाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने क्या नहीं लिया? संन्यास नहीं लिया। तो भगवान के भक्त भगवान को अपने पास लाने के लिए, उनकी सेवा करने के लिए, इससे अधिक क्या कष्ट हो सकता है? कोई माँ बाप अपने आंखों के सामने अपने बच्चे को मरता हुआ देखे, इससे ज्यादा कोई कष्ट दुनिया में है क्या? एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, कितनी बार? 6-6 बार। लेकिन सिर्फ एक ही आशा से आएंगे। कौन आएंगे? भगवान श्री कृष्ण आएंगे। दूसरी बात, ये जो 6 बच्चे मारे गए, इनके मारे जाने में भी कल्याण था। क्या कल्याण था?
कि ब्रह्मा जी को एक बार अद्भुत विकार आ गया। क्या विकार है? उनके शरीर से एक लड़की उत्पन्न हुई तो उनकी बेटी हुई, और ब्रह्मा जी को वो लड़की पसंद आ गई, वो उसके पीछे भागे। त्रिलोत्तमा कुछ ऐसा नाम था उसका। तो ब्रह्मा जी के पुत्र है मारीची। मारीची के 6 पुत्र थे। 6 पुत्र ने देखा उनका दादाजी लड़की के पीछे भाग रहे। तो वहां भागवत में लिखा कि अपने बड़े लोग जो समर्थवान हैं, अगर कभी कोई गलत काम करते हुए दिखाई दे तो उन पे खिल्ली नहीं उड़ानी चाहिए, आंख बंद कर लेनी चाहिए। माता अगर कभी कोई गलत काम करती हो तो बच्चे उसको छुपाएंगे, उसको घोषित नहीं करेंगे। लेकिन इन्होंने हंस दिए और बोले ऊपर से, वाह 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 वाह, ये भी कोई बात है। ब्रह्मा जी को गुस्सा आ गया। ब्रह्मा जी ने चियों को श्राप दे दिया, जाओ। अब देखो श्राप भी क्या है, असुर बन जाओ। क्या बन जाओ? असुर बन जाओ। वो असुर बन गए। अब वो रोने लगे कि हम असुर तो बन जाएंगे, इस श्राप से निकल के कैसे आएंगे? तो उन्होंने कहा तुम निकल के ऐसे आओगे कि जब कभी भगवान श्री कृष्ण का उच्चिष्ट पाओगे। क्या पाओगे? उच्चिष्ट प्रसाद, झूठा पाओगे, तब निकल के आओगे। अब इंतजार है। तो ये 6 के 6 बन मारीची के पुत्र, भगवान के भक्त। हिरण्यकश्यपु का भाई था हिरण्याक्ष। नाम सुना है? किसने मारा था हिरण्याक्ष को? बोलो तो। वराह अवतार ने। अभी वराह अवतार करने आपने बावन करने। वराह अवतार ने किसको मारा था? हिरण्याक्ष को। हिरण्याक्ष का एक बेटा था, उसका नाम था कालनेमी। क्या नाम? कालनेमी। उस कालनेमी के 6 बेटे बन के आ गए। कौन? ये मारीची के 6 बेटे। किसके? कालनेमी। अब कालनेमी राक्षस विष्णु का दुश्मन और उससे कर रहा है युद्ध। कौन? कालनेमी। असुरों की तरफ से देवताओं के खिलाफ युद्ध चल रहा, बड़ा लंबा युद्ध चल रहा था। और ये 6 बच्चे जो थे मारीची के थे, वो भगवान के भक्त थे। ये कालनेमी के यहाँ भी भगवान का भजन करें जैसे हिरण्यकश्यपु का बेटा करता था। कौन? प्रहलाद करता। कालनेमी थक गया इन्हें मना करते करते, नहीं करना नहीं करना। एक बार इतना गुस्साया बोलता, तुम दुष्ट हो, अपने बाप के हाथों मरोगे। क्या श्राप दे दिया? बाप के हाथों। मतलब ये 6 विचारों का क्या दोष? एक बार ब्रह्मा जी को उन्होंने उपहास कर दिया, दो दो श्राप पीछे लग गए। पहला श्राप भगवान का उच्चिष्ट खाने से ठीक होगा, और दूसरा बाप के हाथों मरोगे। अब युद्ध हुआ, युद्ध में काल ने भी मारा गया, विष्णु जी ने मारा। ये कालनेमी ही कंस बना। कालनेमी क्या बना? कंस बना। इधर इनके ही परिवार में प्रहलाद जी की लाइन से बलि महाराज थे। अब बलि महाराज इन 6 बच्चों को देखते थे। बलि महाराज किसके पुत्र थे मालूम है? हैं? वाह, ये तो बड़ी तेज है। विरोचन के बेटे थे। और विरोचन किसका बेटा था? प्रहलाद का बेटा था। तो प्रहलाद का बेटा विरोचन, विरोचन का बेटे बलि महाराज। तो बलि महाराज जी इन 6 बच्चों को भी देखते थे। तो भगवान आए 52 बनकर, और 52 बनकर जब भगवान आए तो उन्होंने बलि महाराज जी को सिर पे पैर रख दिया। देखो एक बात बताऊं, वो बड़ा भाग्यशाली है जिसके सिर पे पैर रखा जाए। जैसे कालिया नाग के सिर पे पैर रखा भगवान ने। लेकिन भगवान जब रखते हैं ना तो पहली बार तो बड़ी ऐसी तैसी हो जाती है, ये कोई आसान काम नहीं है।
भगवान जान बोझ के उसका कचूबर निकाल देते, कालिया नाक के मुंह से खून निकल रहा था, ये भी दब गए थे थोड़ा सा, लेकिन इन्होंने चूर नहीं की। और प्रहलाद जी आए तो प्रहलाद जी को बोले, यार ये तुम्हारा पोता कैसा है, मैं इतना अत्याचार कर रहा हूं इस पे और ये मेरे पे नाराज ही नहीं, मैं बड़ा खुश हूं, इसको स्वर्ग से भी ज्यादा बढ़िया राज्य दूंगा, इसको सुतल लोक दे दूंगा। उसको भेज दिया वहां से सब परिवार, स्वर्ग का राजा था, स्वर्ग से हटाकर काम भेज दिया सुतल लोक और स्वर्ग दे दिया इंद्र को। किसने? वामन भगवान ने, क्योंकि इंद्र के छोटे भाई बन के आए थे वामन भगवान। अब जब ये बलि महाराज गए सुतल लोक तो इन छह बच्चों को भी ले गए, जो किसके थे? कालनेमी के बच्चे। अब जो देवकी को एक एक करके बच्चा हो रहा है वो इन्हीं में से आ रहे थे, पहला बच्चा, फिर दूसरा बच्चा, फिर तीसरा बच्चा। और मार कौन रहा था? कंस मार रहा था। कंस कौन था पिछले जन्म में? कालनेमी। तो कालनेमी यानी कालनेमी ही मार रहा था किसको? अपने बच्चों को। तो वो श्राप पूरा हो गया, जाओ तुम पिता के हाथों मारो। तो ये छियों की छियों किसके हाथ मर गए? लोग चले गए, एक श्राप पूरा हुआ। तो ये जो मारा जाना था कंस के द्वारा, इन बच्चों का क्या हुआ? कल्याण हुआ। अब एक काम रह गया, उच्चिष्ट। तो जब कृष्ण और बलराम जी मथुरा से वापस आए, ओ वृंदावन से आए मथुरा और कंस को मारा, उस समय देवकी ने कहा कि भाई तेरे छह बड़े भाई हुए थे, कंस ने उन्हें मारा था, मैं चाहती हूँ उनको भी ले आ। तो कृष्ण बलराम गए सुतल लोक में और सुतल लोक में इन छियों को लेके आए, और इन छियों को देखकर देवकी के स्तनों में दूध आ गया। इन स्तनों में एक बार कृष्ण ने मुंह लगाया था, जब दूध आया तो छियों के छियों ने अपनी माँ देवकी के स्तनों से क्या किया? दूध पिया। पर स्तन उच्चिष्ट थे, किसके? कृष्ण के, कृष्ण के द्वारा व्यवहार किए हुए स्तन। उच्चिष्ट पीते ही इन छियों का उद्धार हो गया। इस प्रकार एक एक घटना कल्याणकारी है भगवान के जीवन में। भगवान जब देवकी के गर्भ में आए तो स्त्री पुरुष के मिलन से जैसे लोग आते हैं वैसे नहीं आए, पहले वसुदेव जी के हृदय में आए और वसुदेव जी चमक गए, एकदम रोशनी आ गई उनके चेहरे पे, और हृदय से देवकी के हृदय में चले गए। फिर देवकी में भी इतना नूर, इतनी रोशनी आई, कंस देवकी को देखने आया तो देख नहीं पाया, और देवकी के हृदय से देवकी के गर्भ में आ गए। भगवान सच्चिदानंद है, वो जिस जगह पैर रखते हैं वो जगह भी सच्चिदानंद होती है, वो जड़ जगत नहीं होता। भगवान का चारों ओर का जो ऑरा है, एनवायरमेंट है, वो शुद्ध सत्व होता है। वो जड़ जगत में ना तो पैर रखते हैं, ना सांस लेते हैं, ना चलते हैं, ना फिरते हैं, ये छाया जगत है, ये उनका जगत नहीं है। इसलिए वो अपना धाम और धाम के साथ अपने धाम का पूरा परिवेश लेके आते हैं, उस परिवेश का नाम क्या है? शुद्ध सत्व। माँ का गर्भ भी शुद्ध सत्व है, क्योंकि देवकी साधारण महिला नहीं है, वो भी भगवान की नित्य पार्षद है वसुदेव भी। जब देवकी के गर्भ में भगवान आए तो ब्रह्मा जी, इंद्र आदि देवता लोग रोज आकर गर्भ में भगवान की स्तुति करते थे। श्रीमद् भागवत में स्तुति है बड़ी जबरदस्त, उस स्तुति में मैंने नोट्स बनाए, एक बार मैंने लेक्चर दिया था, 2 महीने लगे थे स्तुति स्तुति कि वो लोग क्या स्तुति कर रहे हैं। तो 2 स्तुतियां मैं आपको बतलाता हूं। एक स्तुति है, हे प्रभु आप में प्रीति युक्त परम भागवत गण कभी भी, ये स्तुति बाद में बताऊंगा, इससे पहले एक और स्तुति है, वो स्तुति है
आपका ये स्वरूप सच्चिदानंद स्वरूप, उंगली करके कह रहे ये स्वरूप कहां पे थे, वो दिख नहीं रहे थे, गर्भ में थे, किसके गर्भ में थे, देवी के गर्भ में। ये स्वरूप सच्चिदानंद है और देवकी का गर्भ भी शुद्ध शुद्ध सत्यमय है। आप पृथ्वी पर प्रपंच में इसे प्रकट करके लोगों को ये सुविधा दे रहे हो कि लोग आपके रूप का दर्शन कर सकें, नहीं तो आपके बारे में जानेगा कौन, आप कैसे लगते हो, आप कैसे दिखते हो, उसको जानेगा कौन। तो भगवान उस धाम से इस धाम पर अपना रूप प्रकट करते हैं ताकि उस रूप के विग्रह बनाए जा सके मंदिरों में, और उन विग्रहों को भक्त देखकर उनकी पूजा करके अपना जीवन कल्याण कर सके। जो भगवान के रूप का दर्शन करता है, अर्चन करता है, पूजन करता है और उनकी परिक्रमा लगाता है और उनके नामों का कीर्तन करता है, वो भी भगवान का हो जाता है बड़ी जल्दी, वो किसका हो जाता है, भगवान का। और धर्मों में भगवान के रूप का वर्णन नहीं है क्योंकि वहां भगवान ने अपने दर्शन नहीं दिए, बेटा बन गए, जीसस क्राइस्ट को भगवान का बेटा कहा गया लेकिन उन्होंने भगवान के रूप का कहीं वर्णन नहीं बताया। लेकिन हमारे शुद्ध भक्तों की इस सभा में जिसे भारतवर्ष कहते हैं, भगवान वृंदावन में अयोध्या में खुद आते हैं, अपने रूप का दर्शन देते हैं और भक्तों को अपना प्रेम प्रदान करते हैं और उसी के दर्शन के शास्त्र बन जाते हैं, शास्त्रों में उनका वर्णन आता है, उस शास्त्र के अनुसार उनकी विग्रह बनाए जाते हैं और भगवान अपने रूप से हमारे नेत्रों के आगे आज भी विराजमान है। अब दूसरा प्रार्थना है, बस इसको पढ़कर मैं समाप्त करूंगा। आप कहोगे बहुत अच्छा डंडा मारा, चलते जा रहा है, रुक ही नहीं रहा है, कौन गधा हे प्रभु, आप में प्रीति युक्त परम भागवत गण, जिन लोगों में आपके लिए प्रीति होती है उन्हें भागवत कहते हैं, और ये ग्रंथ भी क्या है, भागवत। आप लोगों में प्रीति युक्त परम भागवत गण कभी भी ज्ञान अभिमानियों की भांति शुद्ध भक्ति पथ से भ्रष्ट नहीं होते। जो भागवत लोग हैं वो शुद्ध भक्ति से गिरते नहीं, ज्ञानी लोग गिर जाते हैं। ज्ञानी कौन है, जो भगवान के रूप को नहीं मानते, वो कितनी भी तपस्या करें एक हाई लेवल पे आके वो जरूर गिर जाते हैं, गिरना ही पड़ता है। दिक्कत ये है क्योंकि वो भगवान के रूप और चरणों को मानते नहीं है, तो इस अपराध के कारण क्या हो जाता है, उनका पतन हो जाता है। तो वो ज्ञानियों की भांति कभी भी अपने पथ से भ्रष्ट नहीं होते बल्कि आपके द्वारा सब प्रकार से सुरक्षित होकर निर्भय चित्त से विघ्न उत्पन्न करने वालों के सिर पर पैर रखकर विचरण करते हैं। जो उनको विघ्न देते हैं, जो उनको कष्ट देते हैं, उनके सिर पर पैर रख के चलते हैं, क्या बात है। तो उन्होंने यहां एक प्रश्न किया कि एक भक्त थे, उनका नाम था राजा भरत, उनको एक हिरण से प्यार हो गया और वो क्या बन गए, हिरण बन गए। भागवत में आपने कथा सुन लो, तो उनका तो पतन हो गया, मनुष्य से क्या बन गए, हिरण बन गए। और एक भक्त थे राजा चित्रकेतु, वो बहुत ऊंची पोजीशन पे, शिवजी की पोजीशन पे पहुंच गए, पर शिवजी को उन्होंने एक बार कह दिया कि ये तुमने पार्वती जी को गोदी पे क्यों बैठाया है, तो पार्वती जी ने श्राप दे दिया, जा असुर बन जा। तो क्या बन गए, असुर बन गए। कौन सा असुर बने, वृत्तासुर बने। ऐसे ही एक और उदाहरण दिया, सुनना पड़ेगा। हाँ, एक हाथी जिसको किसने पकड़ लिया,
मगरमच्छ ने पकड़ लिया। वो पिछले जन्म में एक राजा थे इंद्रदुम्न, वो भी भक्त थे। तो तीन तीन लोगों का पतन हो गया, एक बन गया हाथी, एक बन गया हिरण और एक बन गया असुर। और आप तो कह रहे हो कि आपके भक्तों का कभी भी पतन नहीं होता, ये क्या है? तो इसमें बड़ा देखो, खुद ही प्रश्न पूछ रहे हैं, खुद ही उदाहरण भी दे रहे हैं, फिर उसका उत्तर दे रहे हैं। क्या कहते हैं? भक्तों का भ्रष्ट होना भी जो दिखता है वो भ्रष्ट होना नहीं है। भगवान उनको तथाकथित रूप से भ्रष्ट करके उनके प्रेम को बढ़ा देते हैं। जब राजा भरत हिरण बने तो उनके अंदर भगवान के लिए प्रेम और अधिक बढ़ गया, इतना बढ़ गया कि वो किसी महात्मा के आश्रम में जाकर रहने लगा। कौन? हिरण। और फिर दूसरे जन्म में वो जड़ भरत बने, और जड़ भरत इसलिए बने क्योंकि उनके अंदर भगवान का प्रेम इतना आ गया था कि उन्होंने दुनिया के सामने अपने को गूंगा और बहरा दिखाया, बात ही नहीं की, इतनी जड़ता दिखाई। तो उनके राजा भरत के रूप में जितना प्रेम था उससे कई गुना ज्यादा प्रेम हिरण में और जड़ भरत में आ गया। इसलिए आ गया इस घटना से, किस घटना से, कि वो क्या बन गए? हिरण बन गए। तो भक्तों का भ्रष्ट होना भी उनके प्रेम को बढ़ाने के स्वरूप होता है। नामे भक्ता प्रणश्यति, क्या सुंदर बात बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? कदाचित यदि कोई भक्त भ्रष्ट हो जाता है तब भी आपके प्रति उसका प्रेम बना ही नहीं रहता बल्कि और वर्धित हो जाता है। तो राजा चित्रकेतु, सुनना, वो क्या बने? वो वृत्तासुर बने। राजा चित्रकेतु वृत्तासुर बने। वृत्तासुर बनकर उन्होंने भगवान की ऐसी प्रार्थना की जो भागवत में लिखी गई। चित्रकेतु की प्रार्थना नहीं लिखी गई, किसकी लिखी गई? वृत्तासुर असुर की प्रार्थना लिखी। क्यों? उनकी भक्ति और बढ़ गई। वृत्तासुर की प्रार्थना लिखी गई है, दूसरों की प्रार्थना नहीं लिखी गई। तो इसलिए भगवान के भक्त का कभी भी पतन नहीं होता। लेकिन भक्त वो होते हैं जो अपने को भक्त नहीं मानते हैं और दूसरों को सम्मान देते हैं, जैसे आपके ये कथा व्यास गौर प्रेमानंद श्री रामचंद्र प्रभु की। हरे कृष्णा। अभी बामन देव को तैयार किया है? बामन देव तैयार है कि नहीं? तैयार है, ठीक है। आज कथा बड़ी दूर तक जानी है, मैं थोड़ी सी टच टच करके फिर बामन देव फिर भगवान कृष्ण जन्म लेंगे। कहते भगवान की नाभि कमल से ब्रह्मा जी सृष्टि हुए और ब्रह्मा जी को भगवान आदेश दिए और उनको हृदय में सारे ज्ञान को उन्होंने स्पूर्ण कराया, इसलिए भागवत को कहते हैं चतुश्लोकी। सर्वप्रथम भगवान चार श्लोक रूप में दिए। ये चार श्लोक ऐसे श्लोक है, समझो ये चार श्लोक में ये 18,000 श्लोक इसमें निहित है, ऐसे उन्होंने चार श्लोक है। फिर ब्रह्मा जी को जब आदेश दिए, ब्रह्मा जी अपना मन से ये चतुष्ण को सृष्टि की, बोले सृष्टि का क्रम बढ़ा, बोले पिताजी ये घर गृहस्थ में हम प्रवेश करना नहीं चाहते। इनको क्रोध आया तो ललाट श्री रुद्रदेव प्रकट हुए, शंकर जी को भी आदेश दिए, शंकर जी योगी योगी महायोगी सत्यम शिवम सुंदरम, उन्होंने देखा अगर पिताजी का आज्ञा को अपमान ना किया तो मेरे को होना हो मेरे को अभिशाप नहीं दे। शंकर जी भूत विषाद सृष्टि कर दिए। ब्रह्मा जी बोले ये कोई थोड़ी सृष्टि है, बंद करो सृष्टि को, बोले बहुत बढ़िया हो गया। फिर ब्रह्मा जी 10 पुत्र को सृष्टि किए। फिर ब्रह्मा जी अपना परछाई से श्री कर्दम ऋषि को सृष्टि की। फिर उन्होंने 2 बेटे और 3 बेटियों को जन्म दी, जो उत्थान पाद और प्रिय व्रत आकुति
देहूति और प्रसूति, इन्होंने ये पांच संतान उन्होंने सृष्टि की और ये मनु से फिर श्री कहते ब्रह्मा जी से फिर मनु और सत्व रूपा सृष्टि हुए और ये मनु सत्ता रूपा से ही धीरे धीरे ये सृष्टि का क्रम बढ़ा। इसलिए हम मनु से हुए हैं, इसलिए हमको क्या कहते हैं, हमें क्या कहते हैं, मानव। लेकिन ये हमारी डार्विन का थ्योरी, डार्विन क्या कहता है, पहले हमारे पूर्वज जो बंदर थे और ये बंदर का पूंछ कटते 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 जब खत्म हो गया हमने इंसान कर लिया, ये डार्विन का थ्योरी है। लेकिन हम बंदर से नहीं हुए, हमारा शास्त्र ये नहीं कहता भाई हम बंदर से हुए। इसलिए हमारे गुरु जी कहते थे बोले भैया उसी समय ये बंदर से इंसान क्यों बने, अभी तो बहुत सारे बंदर घूम रहे हैं, अभी कोई बंदर से अभी कोई इंसान बन रहा है क्या। इसलिए श्री स्वामी महाराज कहते थे कि जो डार्विन है ना इसका पिता माता बंदर थे, लेकिन हमारे पिता माता बंदर नहीं है, हमारे पिता माता कौन है, हमारे पिता माता भगवान कृष्ण और हमारे पिता माता श्री राम हमारे पिता माता। इसलिए कृष्ण गीता में कहते हैं तुमैव माता च पिता तुमैव तुमैव बंधुश्च सखा तुमैव तुमैव विद्या द्रविण तुमैव तुमैव सर्वं मम देव देव। आप भगवत गीता को पढ़ो, गीता में कृष्ण स्वयं कहते हैं ममई मांस जीव लोक जीव भूत सनातन, ये कृष्ण कह रहे हैं बोले जगत में जितना जीव है सब मेरे बच्चे हैं। आप बाइबल को पढ़ो, ये क्रिश्चियन का ग्रंथ है, बाइबल में लिखा हुआ गॉड क्रिएटेड मैन इन ओन इमेज, ये बाइबल में कहता है भगवान ने अपना जैसे इंसान को बनाया। आप मुसलमान का कुरान पढ़ो, वहां पर भी कहते हैं अल्लाह ने अपना जैसे सूरत उन्होंने इंसान को दिया। इसलिए कहीं ये नहीं बताया ये बंदर से हम हो गए, पर ये डार्विन ने इस बात की बताया, वो मरने से पहले वो बोल करके गया ये सरकार ने मेरे को जोर जबरदस्ती किया था लोगों को नास्तिक ही बनाने के लिए, तुम इसको प्रूव करके दिखा दो हम बंदर से हमने हुए हैं। इसलिए उन्होंने गरीला और एक उन्होंने इंसान का खोपड़ी बंदर का खोपड़ी को लगा करके हमें बेकूफ बना कर गया और मरने से पहले ये बात बोल कर गया नहीं बंदर से कभी इंसान नहीं बन सकता है, ये सरकार मेरे को जोर जबरदस्ती बोला था इसलिए मैंने ये बात बताई। एक समय कोशिश किया बंदर का ब्रेन को इंसान का ब्रेन में लगाने के लिए, बंदर जैसे छलांग लगाते हैं ना इंसान भी ऐसे छलांग लगाना शुरू कर दिया, उसका एक पार्ट भी आप हमारे इंसान में नहीं लगा सकते हो। इसलिए आप एक बंदर का तस्वीर लो, अपना तस्वीर लो, आप उसे मिलोगे बराबर होगे देखो, लेकिन भगवान कृष्ण को देखो और भगवान हमारे राम को देखो, उनका नाक जैसे हमारे नाक वैसे, उनके दो हाथ हमारे भी दो हाथ, उनको भी दो हाथ हमारे भी दो हाथ, उनको भी दो पैर हमारे भी दो पैर, भगवान को साथ में हमारी सूरत मिलता कि नहीं, किसी बंदर से तुम्हारी कोई सूरत मिलेगी नहीं। इसलिए भागवत कहता है अब मनु महाराज से हुए हैं इसलिए हम मानव कहते हैं। अब बताओ तो आपका गोत्र क्या है, तुम्हारी गोत्र क्या है कश्यप, तुम्हारी गोत्र भारद्वाज, आपका गोत्र तुम्हारी गोत्र अंगिरा, ये सब गोत्र कहाँ से आया। कहते ब्रह्मा जी से जो 10 पुत्र हुए हैं, बड़े बड़े ऋषि हुए हैं, हैं ये जो ऋषि लोग हुए हम जिसकी ऋषि की परंपरा से आए अभी भी हमारा भारत में गोत्र है। इसलिए हम बंदर से नहीं हुए हैं, हम बंदर से नहीं हुए हैं, हम सबके सब कहाँ से हुए हैं, भगवान से सबके सब हुए हैं। इसलिए इनकी अगर हम बंदर से होते तो बंदर खत्म हो जाते हैं और हम ही रह जाते हैं, लेकिन बंदर बढ़ते जा रहे हैं, वृंदावन में जाके देखो दिल्ली में भी बंदर बढ़ते जा रहे हैं, पूछो क्यों ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि बंदर हमसे हुए हैं, हम बंदर से नहीं हुए हैं, बंदर हमसे। जब हमारे अंदर बंदर जैसा दूसरों का मान नोचने का ख्याल आ जाता है तो अगले जन्म में क्या बन जाते हैं, बंदर। इसलिए बंदरों की जनसंख्या बढ़ती जा रही है वृंदावन में, तो और वहां पे तो ये वृद्धि बहुत ही ज्यादा है। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। इसलिए भागवत में माता देहूति की कथा दी है जिसमें कर्दम ऋषि को साथ में शादी हुई और उनको कैसे भगवान कैसे अपना माँ को उपलक्ष्य करके बड़े बड़े सुंदर सुंदर ज्ञान दिए। कहते श्री उत्थानपाद महाराज के कैसे सुरुचि और सुनृति जैसे उनकी दो पत्नी थी जिससे एक ध्रुव और एक उत्तम हुए।
और ये ध्रुव जी को कैसे नारद जी ने मंत्र प्रदान की और श्री ध्रुव जी 6 महीना को अंदर उन्होंने भगवत दर्शन की है। लेकिन जब ध्रुव जी बहुत उतावला हो गए भगवान को पाने के लिए, एक दिन वैकुंठ में माँ लक्ष्मी नारायण की चरण की सेवा कर रही थी और भगवान नारायण बड़े चंचल हो रहे थे। माता लक्ष्मी ने पूछा, प्रभु आप इतने चंचल क्यों हो रहे हो? बोले मेरे आगे छोटा सा बच्चा, नन्हा सा बच्चा कठोर तपस्या कर रहा है। बोले जाओ ना प्रभु, उसको दर्शन दो। बोले देखो लक्ष्मी, मैं भी बंधा पड़ा हुआ हूँ। बोले किस चीज में? बोले अभी तक उसने गुरु ग्रहण नहीं किया है, इसलिए बिनु गुरु भवन तरह न कोई, जो बिरिची शंकर सम होई। अभी उसने गुरु ग्रहण नहीं किया है, इसलिए मैंने स्वयं बताया, प्रथम तो गुरु पूज्यम ततश्चैव ममार्जनम, पहले गुरु जी की पूजा फिर मेरी पूजा है। जब तक गुरु ग्रहण नहीं करते तब तक मेरे को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। हाँ देखो, अब एक छोटी सी कहानी सुनो, गुरु क्यों करनी चाहिए। कहते एक समय कोई एक साधु किसी घर में कथा कर रहा था। बोले देखो, जो व्यक्ति भगवान का नाम ग्रहण करता है वो भवसागर से पार हो जाता है। लेकिन उसको घर में पिंजरा में एक तोता रह रहा था। इतने में तोता बोल उठा, बोले बाबा क्यों ये जो झूठ मूठ बात बोल रहे हो, भगवान का नाम लेने से भवसागर से पार हो जाता है। तो वो जो कथा कर रहा था, बोले क्यों नहीं। बोले तू मेरे को देख ले, जब जब मालिक घर में आता है ना, मैं सबको राधे राधे, राम राम, कृष्ण कृष्ण बोलता हूँ। अभी ये छोटा सा पिंजरा से ही मेरी मुक्ति नहीं हुई और ये भवसागर तो बहुत बड़ी बात है। वो तो चुप हो गया, बोले ये तो बात सही बता रहा है। उसने घर में आए, अपना गुरु जी को ये बात बताया। गुरु जी ने कहा, देख बेटा, जब कल तू जाओगे ना, मैं तेरे साथ भी जाऊंगा, जाओ तू बैठ कर कथा करो। फिर उसने बोलने लग गया, जो ठाकुर जी का नाम लेते हैं भवसागर से पार हो जाता है। फिर तोता बोल पड़ा, बोले बाबा फिर क्यों कह रहे हो, क्यों फिर कह रहे हो, देखो मेरे को देख लो ना, ये छोटा सा पिंजरा से अभी भी मेरी मुक्ति नहीं हुई, सबको राम राम कृष्ण कृष्ण कहता हूँ। उनको गुरु जी वहीं पर खड़े थे। बोले देख बेटा, इसलिए तेरी मुक्ति नहीं मिल रही है, चूंकि ये जो नाम है ना, तुमने किसी सदगुरु से ग्रहण नहीं किया। बोले फिर तो आप मेरे कान में नाम दे दो। फिर संत ने उसको कान में ठाकुर जी का नाम दिया और उसको कुछ पाठ पढ़ा दिया। बोले देख बेटा, जब तक ये पिंजरा में रह करके तो राम राम कृष्ण कृष्ण करोगे ना, मुक्ति नहीं मिलेगी। बोले बता दो क्या करनी चाहिए। बोले जब कथा विश्राम होएगा तो मरने का बहाना बनाना, जब मरने का बहाना बनाओगे तेरे को अंदर से निकालेंगे, फिर अर्थी से जाएंगे, जब राम नाम सत्य करते करते ले जाएगा ना, फिर फर कर घूम जाना। इतने में जब ये कथा विश्राम हो गई, वो तोता ने तो मरने का नाटक की। सब लोगों ने बोले धन्य धन्य है, देखो ये भागवत कथा सुनते सुनते तोता की मुक्ति हो गई, सचमुच से तोता बड़े भाग्यवान है। बोले इसको निकालो और अर्थी सजाओ। अब पिंजरा से निकाले और बड़े सुंदर अर्थी सजाया, गले में फूलों की माला दी और कंधे पर जब ले जा रहे थे ना, अर्थी को राम नाम सत्य है, गोपाल नाम सत्य है, इतने में तोता फर कर दौड़ गया। इतने में गुरु जी ने कहा, क्यों बेटा, गुरु जी से नाम लेने से मुक्ति मिलती कि नहीं? बोले हाँ, अभी गुरु जी से नाम लेने से मुक्ति मिलती है, अभी तक मैंने गुरु जी से नाम नहीं लिया था ना, इसलिए अभी तक ध्रुव जी गुरु ग्रहण नहीं किया था। इसलिए लक्ष्मी का प्रभु आप ही व्यवस्था करो, तब नारद जी को भेजा। नारद जी उन्होंने बड़ी परीक्षा ली, परीक्षा करके ओम नमः भगवते वासुदेवाय, फिर उन्होंने मंत्र प्रदान की और उन्होंने 6 महीना में उन्होंने भगवत दर्शन की। इसलिए फिर उन्होंने भगवत दर्शन की, दर्शन करते जब उन्होंने वापस आए, उन्होंने 36,000 साल तक उन्होंने राज्यत्व की। जब समाप्त हो गई, अभी वैकुंठ से रथ आया लेने के लिए, स्वयं काल भी वहां पर आए। बोले कहाँ जा रहे हो? बोले वैकुंठ। बोले आप कौन हो? बोले मैं काल हूँ। बोले यहाँ पर बैठ जाओ, देखो भक्ति में कितने शक्ति। ध्रुव जी सशरीर में काल के सर को पर प्यार रख करके उन्होंने विमान में बैठ करके जब वैकुंठ जा रहे थे, देखो माता ने ध्यान देकर सुनो, बहुत अच्छी सिक्ख्या है। इतने में ध्रुव जी को मैया की याद आ गई। बोले मेरी मैया कहाँ है? बोले देख, तेरी जो मैया है ना,
देखो ये तुम्हारी जो आगे जो विमान जा रही है, तेरी मैया पहले जा रही है, तो उसको पीछे जा रही हो, क्योंकि आज तो मैया की वजह से तुम्हें आज भगवत प्राप्ति हुई। क्योंकि जब पिताजी की गोद में बैठना चाह रहा था तब उनकी मैया सुनीत ने कहा, देख बेटा ये कब तक ये पिता रहेंगे, कब तक ये राज्य तो रहेगा, एक दिन सब नष्ट होने वाले, बैठना तो ठाकुर जी की गोद में बैठो। जिसको गोद में बैठोगे ना करोड़ों स्नेह मिलेगा, कभी गोद से उतरोगे नहीं। बोले माँ वो कहाँ मिलेंगे? बोले बेटा उनके लिए तो कठोर तपस्या करना पड़ेगा। बोले माँ की आशीर्वाद से आज मुझे भगवत प्राप्ति हुई, माँ को लिए बगैर मैं वैकुंठ नहीं जाऊंगा। तब दिखा दिया आगे माँ जा रही है और पीछे 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 ध्रुव गए। देखो जितने माता है यहाँ से शिक्षा लो, अगर बच्चे को अगर आप भक्ति का शिक्षा दोगे, इसलिए भागवत में नरसिंह भगवान कहते हैं वंश में अगर एक बच्चा प्रभु की भक्ति में लग जाए, बोले कितने लाभ है, बोले कुलम पवित्रम जननी कृतार्था वसुंधरा वसतिश्च धन्या। देखो कहते तो उसको इतनी सी पीढ़ी उद्धार हो जाती है। जो माँ गर्भ में धारण करती हैं पहले उसको उद्धार होता है, और जो पूर्वज लोग पहले चले गए नृत्यंती स्वर्ग हाथ उठा उठा कर नाचना शुरू कर देते हैं, अहो भाग्य है हमारे वंश में एक वैष्णव जन्म ग्रहण की। बोले वसुंधरा वसतिश्च धन्या, जिस पृथ्वी को ऊपर वो बच्चा जन्म ग्रहण करता है वो पृथ्वी भी आनंद से नाच उठती है, अहो भाग्य एक भक्ति करने वाले बच्चा जन्म लिया। अगर एक बेटा अगर भक्ति करता है इतना पुण्य, अगर बच्चे अगर गलत रास्ता में चले गए तो उसका भी दंड भोगना पड़ेगा। ये पुराण में कथा है यार, कोई एक योगी स्वर्ग में पहुंचा, एक व्यक्ति बहुत पुण्य कर्म करके स्वर्ग में गया, सोने के सिंहासन में बैठा हुआ स्वर्ग में अफसर यहाँ सेवा कर रहे थे, लेकिन वो बैठ बैठ करके रो रहा था, बेहोश हो रहा था। वो योगी ने पूछा, भैया तू इतने पुण्य कर्म करके स्वर्ग में आए, यहाँ पर इतने सेवा हो रही है, रो रहे क्यों? बोले मेरे से एक गलती हो गई। माता ध्यान देकर सुना, बोले क्या गलती हो गई? बोले बच्चों को मैंने सद्मार्ग नहीं दिखाया, मैंने जो पैसा रख करके आया था अभी वो बच्चे उसी पैसा से शराब पी रहे, उसी पैसा से मांस खा रहे, उससे जुआ खेल रहे। चुपके पैसा तो मैंने छोड़ करके आया था, वो बच्चे उसको दुरुपयोग कर रहे हैं, उसका जो पाप कर्म मुझे स्वर्ग में भी नहीं छोड़ना। इसलिए जिस समय प्रभु राम और सीता वनवास जा रहे थे, इतने में लक्ष्मण आए, बोले आ करके अपना मैया सुमित्रा से कहती है, बोले मैया मेरे को आदेश दे दे, भाभी मैया की सेवा भी जाओ। देखो सुमित्रा क्या कहती है, बोले पुत्रवती जुबती जगसोई रघुपति भक्ति जासुसुत होई। बेटा तेरे जैसे बेटे को जन्म दे करके आज जीवन को मैं धन्य धन्य मान रहे हूँ। बोले क्यों? बोले रघुपति भक्ति जासुसुत होई, उसी माता को गर्भ धारण सार्थकता है। अगर बेटा अगर भगवान की भक्ति की, दूसरी लाइन में कहती है अगर बच्चों को प्रभु की भजन में नहीं लगा पाए, सुमित्रा कहती है माँ को बांझ रहना सही, क्या तो बच्चे जन्म मत दिया करो, मना कर देते हैं। क्यों? बच्चे को पालोगे, जन्म दोगे, कष्ट करके उसको लालन पालन करके अगर गंदे रास्ता पर गए उसका फिर नर्क भोगकर उसके लिए। इसलिए तब भी बच्चों को जन्म दो, अगर बच्चों को अगर प्रभु की भजन में लगा सके, नहीं तो कह देती है बांझ बन करके रहो, बच्चा जन्म देने का कोई जरूरत नहीं, ठीक है ना। और देखो पहला गुरु कौन है? पिता माता सबसे पहला गुरु। अगर हम पिता माता अगर प्रभु की भक्ति करेंगे तभी तो बच्चे भजन करेगा, अगर हम माला जप करेंगे हमारा बेटा भी माला जप करेगा, अगर हम अगर हरिनाम करेंगे बेटा भी हरिनाम करेगा, अगर हम भी कलर में कंठी तिलक लगाएंगे हमारा बेटा भी करेगा, ठीक है ना। पहला गुरु पिता माता, सबसे पहले शिक्षा पिता माता से मिलते हैं। इसलिए घर में ये नियम बनाओ, क्या नियम बनाओ, घर में सबसे पहले बच्चे को तभी खाना दो, बोले बेटा स्कूल जाने से पहले एक माला जप कर, एक माला तुम जप करके जा। जब बच्चे को स्मार्टफोन दे सकते हैं, जोर जबरदस्ती इसको स्कूल भेज सकते हैं, क्या नहीं बता सकते हैं बेटा 5 मिनट भी प्रभु की भजन में दो, भगवान की भक्ति में दो। देखो हमारे गुरु जी को पास में किसने आ करके नालिश किया, बोले गुरु जी मेरा बेटा बात नहीं सुनता है। देखो ध्यान देकर सुनो गुरु जी क्या कहते हैं, बोले बेटा रामायण पढ़ते हो? बच्चे को रामायण पढ़ाते हो? बोले नहीं। बोले जो रामायण नहीं पढ़ेगा
बच्चों को रामायण नहीं पढ़ेगा उसको यही दुर्गति भोगना पड़ेगा। बोले क्यों? बोले अगर रामायण बच्चे को पढ़ाता, रामायण पढ़ते, रामायण में लिखा हुआ प्रात उठ ही रघुनाथा और मात पितु गुरु न महिमा था। भगवान सवेरे उठ करके क्या करते थे? भगवान पिता माता के चरण छूते थे, गुरु जी के चरण छूते थे। आप लोग रामायण देखे होंगे, जब दशरथ महाराज शयन करते हैं भगवान राम जाकर के पिता की चरण सेवा करते थे, है ना। अगर रामायण पढ़ते थे ही नहीं, रामायण पढ़ाते थे बच्चे को ही नहीं, उसको स्मार्टफोन पकड़वा देते हैं, उल्टा पुल्टा गद्दी गद्दी उल्टा सीधा ग्रंथ पढ़ा रहता है घर में, ये बच्चों को संस्कार कहाँ से आएगी बच्चों को? इसलिए आप लोग भी क्या करो, स्वयं भक्त करो, बच्चों को भी पहला गुरु पिता माता। तुम ठीक लड़के खड़े हो जाओ, देखो ये एक बच्चे को देखो, आप लोग देख लो, देखो खड़े हो जाओ, देखो ये उधर घूम कर खड़े हो जाओ, देखो ये भी बच्चा है, कहेंगे ये साइंस लेकर पढ़ रहा है, देखो यहाँ बैठा हुआ कैसे धोती पहना, तिलक लगाया कैसे, और यहाँ पर कैसे प्रभु का भजन कर रहा है, आप देख रहे हो। आप बताओ ये बच्चा ऐसे कैसे बन गया? कारण है इसको जो पिता माता है ना भगवान की भक्ति कर रहे, तभी तो तुम खड़े हो। देखो इसकी यहाँ इसकी मैया यहाँ पर बैठे, खड़े हो जाओ उस तरफ में देखो, इनकी मैया यहाँ पर बैठी है, इनके पिताजी भी यहाँ पर है, देखो तिलक लगाए, गले में कंठी पहनी है ना, इसलिए पहला जो गुरु है ना, देखो इनके पिताजी भी यहाँ पर है, कथा सुन रहे हैं, देखो इनके पिताजी भी कथा सुन रहे हैं, ये ब्राह्मण घर के, इसलिए देखो हम जो कथा करने के लिए आए ना, हम लोग केवल यही चीज के लिए आए, साधारण पंडित जैसे नहीं है, हमारी कथा करना तभी सार्थक था अगर आपके हृदय में भगवान की भक्ति की अगर हम भाव जगा सके, तभी हम समझते हैं भैया हमारी कथा करना यहाँ सार्थकता हो गया। ऐसे नहीं पैसा इधर उधर लुटे, दान पुण्य की बात किया, पैसा लुटे अपना पकेट भरे और गए, नहीं हमारी कथा करने का भी उद्देश्य नहीं, हमारी कथा करने का केवल एक उद्देश्य है अगर आपको कैसे सदमार्ग में ले जाए, आपको अच्छे मार्ग में ले जाए, इसी जीवन में भी सुखी रहो, उसको बाद में तो आनंद ही आनंद है, उसको जीवन में आनंद ही आनंद, इसी लोग से हम लोग कथा करने के लिए आए, ठीक है ना। इसलिए भक्ति करो और बच्चों को प्रभु की भक्ति में लगाओ। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। चलिए देवता दैत्यों में अक्सर करके लड़ाई होती थी, अगर देवता मरे ना मर जाए और दैत्य लोग मरे तो उनका गुरुजी शुक्राचार्य और संजीवनी मंत्र जी जिंदा कर गए। एक समय देवता लोग ठाकुर जी के पास में गए, बोले हम अमर कैसे बनेंगे? बोले देखो तुम दोनों मिलकर के समुद्र मंथन करो, इससे अमृत निकलेगा, उसको पीकर के अमर बनोगे। फिर देवता दैत्य समुद्र मंथन किया, सबसे पहले हलाहल बीज निकला और शंकर जी को प्रार्थना किया तो तन के तन उन्होंने जहर बांध करके कहां पर रखे? बोले गले में। इसलिए शंकर जी का गला नील बन गया, इसलिए शंकर जी का एक नाम हो गया नीलकंठ। बोले श्री नीलकंठ महादेव की। हाँ देखो शंकर जी एक बढ़िया शिक्षा देते हैं, बोले कोई गंदी चीज हो ना कभी मुंह में मत रखा करो, कभी हृदय में मत रखा करो, हृदय अपवित्र हो जाएगा। अगर कोई गंदी चीज मुंह में रखोगे ना फिर तो ये लड़ाई झगड़ा का कारण होगा। बताओ ये महाभारत क्यों का कारण दिया? ये जिह्वा के कारण। इसलिए गुरुदेव कहते थे सब में हड्डी है, हाथ में हड्डी है सीधा हो जाता है, कमर में हड्डी बैठते हैं, लेकिन एक चीज में हड्डी नहीं, जोर से बोलो जीवा। हाँ इसलिए हर समय ये लपर 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 कुछ बोलता रहता है, हैं? इसलिए ये द्रौपदी ने ही इतना गलती कर दी, उन्होंने दुर्योधन को बोल दिया अंधा का बेटा अंधा होता है, सारे महाभारत। बोले रामायण क्यों हुई? इसी कारण से रामायण भी इसी कारण से। बोले रामायण क्यों हुई? सीता जी जब श्री मारी जी ने हिरण बन करके आए, मैया सीता राम से बोले मेरे को पकड़ करके ला दो, जब उसको पीछे गए लक्ष्मण को बोले देख सीता को छोड़ कर जाना नहीं, लेकिन उधर आख्या से था राम, जब बाण मारे मारी जी ने लक्ष्मण का गला जैसे बोले भैया लक्ष्मण, भैया लक्ष्मण, सीता जी ने कहा देखा राम को ऊपर कोई विपत्ति आए, लेकिन लक्ष्मण को पता भगवान को ऊपर कोई विपत्ति नहीं आ सकती है, लक्ष्मण जाना नहीं चाहते। बोले अभी मैं समझ रही हूँ तो साथ में क्यों आया था, राम मर गए तो मेरे को शादी करोगे?
वो तो माँ को माँ मानती है सीता को, अगर लक्ष्मण को बोले कैसे सहन कर सकते हैं, इसलिए उन्होंने लक्ष्मण रेखा को काट कर गए। देखो उन्होंने दो गलती सीता ने की, सीखा दे रही है सीता की, तो गलती नहीं हो सकती। एक तो लक्ष्मण रेखा को पार की और दूसरे में उन्होंने जीवा में ये अपशब्द बोली। लक्ष्मण गए, रावण आया और सीता को उठा कर ले गए, पूरी महाभारत हो गई। इसलिए कभी कभी हमारे संसार में भी महाभारत हो जाती है, किससे? जीवा, जीवा से। इसलिए यहाँ शिक्षा देते हैं माता को विशेष करके, कभी भी ये जीवा को उल्टा पुलटा काम में मत लगाया करो, फिर तो हमारे घर में भी रामायण महाभारत हमारे घर में भी शुरू हो जाएगी है। और कभी भी लक्ष्मण रेखा को पार मत करो, लक्ष्मण रेखा मतलब अपना मर्यादा से कभी बाहर मत जाओ, नहीं तो रावण उठा ले जाएगा। इसलिए ये सब शिक्षा देते हैं। इसलिए शंकर जी ये जहर को उन्होंने कंठ में रखे, मुंह में नहीं, हृदय में नहीं रखे उन्होंने ये चीज को। अभी समुद्र मंथन हुई, माँ लक्ष्मी स्वयं निकली। अभी बताओ लक्ष्मी किसको नहीं चाहिए, दुनिया को चाहिए। सबके सब बोले हम लेंगे हम लेंगे, बोले ऐसे नहीं लाइन करके खड़े हो जाओ, सबके सब लाइन करके खड़े हो गए। माँ लक्ष्मी ने देखा सबको अंदर कुछ ना कुछ दोष है, अगर निर्दोष, अगर कोई निर्गुण है ये केवल श्री नारायण है। फिर उन्होंने नारायण की गला में माला डाल दी, बोले श्री लक्ष्मी नारायण की। फिर समुद्र मंथन हुई तो धन्वंतरि ने अमृत कलश को लेकर के उठे। अभी तो देवता देखने में लड़ाई शुरू हो गई, बोले हम ग्रहण करेंगे हम ग्रहण करेंगे। इतने में भगवान ने मोहिनी अवतार ली और मोहिनी रूप देख करके जो लड़ाई झगड़ा कर रहे थे ना सब चुप, मोहिनी के रूप को देख करके मोहिनी बोले भैया ये सब क्या बात, क्यों लड़ रहे हैं? बोले अमृत के लिए, बोले ये जो तिलक लगाए पीले पीले रंग के कौन है? देखते हो मुझे, बोले हमारे भैया आए। बोले देखो मोहिनी अमृत पिएगा तो तुम्हारी हाथ में, नहीं तो अमृत पिएगा नहीं। बोले देखो मैं जो कुछ करोगे बीच में बोलना नहीं, बोले दो लाइन करके बैठ जाओ। पहले देवता को तो पानी पानी पिला देती हूँ, जो गड़ा गड़ा रह जाएगा ना फिर तो हम दोनों एकांत में बैठ करके पिएंगे। बोले मोहिनी भले ही ये अमृत नहीं मिले, अगर तू मिल गई ना हमको सब कुछ मिल जाएगा। इतने में उन्होंने देवता को अमृत पिलाते पिलाते चंद्र सूर्यों के बीच में सौरभ नाम को दैत्य भी बैठ करके उन्होंने अमृत को पी लिया और उन्होंने इशारा किया प्रभु ये धोखे से अमृत इसने पी लिया। भगवान चक्र को बुलाए और गला काट दी, एक राहु एक केतु हुए चंद्र सूर्य को बीच बीच में, ये सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण होता है। इतने में देवता को पिला करके ठाकुर जी वहां से अंतर ध्यान हो गए। अभी देवता दैत्य में लड़ाई शुरू हुई, देवता तो अमृत पी चुके थे, जैसे केले का पेड़ को काटते हैं ना, दैत्य को एक तरफ से कतल करने लग गए। ब्रह्मा जी ने देखा लगता है दैत्य का वंश समाप्त हो जाएगा, ब्रह्मा जी आकर के रुके। फिर दैत्यों का गुरु शुक्राचार्य ने संजीवनी मंत्र से फिर जीवित कर दिया देवता को, दैत्यों को। उनका राजा बलि ने उन्होंने एक यज्ञ किया जिसका नाम विश्वजीत महायज्ञ, जिससे रथ निकला। वो रथ के ऊपर बैठ करके कोई युद्ध करेगा तो उसको कोई परास्त नहीं कर सकते। फिर उन्होंने देवता को ऊपर चढ़ाव की और मार मार करके देवता को वहां से भगा दिए। फिर बलि महाराज इंद्र सिंहासन को दखल कर लिए। अभी देवताओं को जो माता अदिति कश्यप जी से बोले मेरे बच्चों को स्वर्ग राज्य कैसे मिलेगा, बल्कि केवल 12 दिन का पयोव्रत करो, ठाकुर को सेवा पूजा करो, ठाकुर जी बामन रूप में अवतीर्ण होंगे। फिर भगवान श्री बामन रूप में आए, बोले श्री बामन भगवान। अभी त्रिभुवन वहां पर उमड़े, उनकी जनेऊ संस्कार की गई। नियम है जनेऊ संस्कार के बाद में गुरु जी को दक्षिणा देनी चाहिए। बोले गुरु जी क्या दक्षिणा चाहिए? बोले छोटे मोटे चीज नहीं, मेरे को ये स्वर्ग राज्य को दक्षिणा रूप में दो। बोले कहाँ से लाएंगे? बोले जाओ तुम नर्मदा नदी किनारा में, वहां पर श्री यज्ञ कर रहे हैं बलि महाराज, और तुम वहां पर जाओ, यज्ञों के बाद में जो जो कुछ मांगते हैं वो सब वही वस्तु प्रदान करते हैं, वहां पर स्वर्ग राज्य मांग करके लाओ। जब बलि महाराज हैं तो घर में बामन देव पहुंचे, इनकी ज्योति इनकी सुंदरता देख करके बोले कोई अग्नि ना कोई चंद्र ना कोई चतुष्ण आ गए। उनको सिंहासन में बैठा करके चरण धोए और जिस चरण को माँ लक्ष्मी
हर समय सेवा करती है, वो चरण को धोकर के चरणामृत लिए बोले आज मेरे जीवन धन्य हो गया है, आप मेरे से वर मांगो, जो कुछ मांगोगे इतने में वर देने वाला हूँ और कहीं आपको झोले झोला बसाने का जरूरत नहीं। बोले पहले बोले संकल्प करो। जब संकल्प करने जा रहे थे इतने में शुक्राचार्य को पता चला, बोले तू यहाँ सुहा सुहा में यज्ञ में लगे हुए हो, तेरे चेले तो लुटे जा रहे हैं। इतने में शुक्राचार्य भागते भागते आए, बोले बलि सावधान। बोले जानते हो ये कौन है? बोले कौन है? बोले पहले जो मोहिनी बन करके आई थी ना और तुमको अमृत से वंचित कर दिया, वही मोहिनी अभी मोहन बन करके आया। ये तीन पैर जमी नहीं, ये त्रिभुवन। बोले श्री वृंदावन बोले गोविंद जय जय गोपाल सावधान।
पहले जो मोहिनी बन करके आई थी ना, अब ये मोहन बन करके आया। ये तीन पग जमीन, ये त्रिभुवन का राज्य को उसमें ले जाएगा। बोले भैया मेरे दोनों हाथ में लड्डू ही लड्डू है, एक में तो माँ देवी है, फिर दूसरे मेरे शेर के ऊपर बैठ करके आई, ये तो दोनों हाथ में हमारी लड्डू, उसका छतरी कहाँ है? छतरी बोलो उसको, उसको छतरी, हरे कृष्ण छतरी बोलो, हरे कृष्ण। हाँ तो दो मिनट कथा सुनिए, भगवान वामन देव आए, हरे कृष्ण बोले श्री वामन भगवान की। सुन लो, अभी उन्होंने बोले ये त्रिभुवन ले जाएगा। बोले भैया दोनों हाथ में लड्डू, एक तो ठाकुर जी वो इच्छा करने पर त्रिभुवन राज्य ले सकते हैं, लेकिन ठाकुर जी स्वयं भिक्षा लेने के लिए आए, मेरे जैसे कोई भाग्यवान होगा? भैया इनको तो मैं जरूर दान दूंगा। ध्यान देकर सुनो, यहाँ पर अच्छी शिक्षा है, इधर सुनो कथा को। इतने में बोले मैं गुरु जी का बात नहीं सुनूंगा। बोले नहीं, मैं गुरु जी का बात नहीं सुन सकता हूँ, ठाकुर जी को तो मैं जरूर मैं दान दूंगा ठाकुर जी को। जब बोले तेरे को मैं अभिशाप देता हूँ, तू स्त्री भ्रष्ट हो जाओगे। मेरे तरफ में देखो सब, उस उधर तो देखना ही, इसे तो स्त्री भ्रष्ट हो जा। बोले ठीक है, मेरे स्त्री भ्रष्ट हो जाए, लेकिन ठाकुर जी को मैं जरूर दान दूंगा। देखो शास्त्र में बताया, कभी भी गुरु जी को त्याग नहीं देनी चाहिए, लेकिन बलि महाराज ने गुरु को त्याग दिया। बोले क्यों? अगर गुरु जी भक्ति की विरोधी हो, भक्ति में भगवान की सेवा में भक्ति में अगर विरोध होता है, शास्त्र कहता है गुरु जी को त्याग देने में कोई दोष नहीं। अगर गुरु जी सतमार्ग में नहीं असत मार्ग में, गुरु जी की पतन हो गई है, गुरु जी भ्रष्ट हो गए, फिर ऐसे नहीं गुरु जी को छोड़ने चाहिए रखेगा, नहीं। शास्त्र बताया अवैष्णव उपदेष्टन मंत्रण निरव ब्रज। अगर गुरु जी वैष्णव नहीं सत मार्ग में नहीं, उनको त्याग देने में कोई दोष नहीं। इसलिए उन्होंने गुरु जी जब बोले भगवान को दान मत दो, बोले कैसे गुरु जी हो? गुरु का मतलब क्या है? बोले अखंड मंडलाकारम व्याप्त जैन चराचरम तत्पद दर्शितम जैन तस्मय श्री गुरु नमः। जो भगवान कण कण में विद्यमान है, उनकी चरण को जो दर्शन कराए गुरु, साक्षात ठाकुर जी आए, गए ठाकुर को मत त्याग। बोले इसे गुरु जी की जरूरत नहीं, जाओ। गुरु जी को उन्होंने त्याग दे दिया। खैर उन्होंने एक पद में उन्होंने भूर भुव मोह जन तप सत्य लोक तक नाम लिया, ब्रह्म लोक में पहुंचा तो ब्रह्मा जी चरण को अभिषेक करके वो चरणामृत को रखे, वही पति पावन श्री गंगा देवी बनी। बोले श्री गंगा महारानी की। दूसरे चरण में अतल वितल कलातल पाताल तो लोग ले लिया। बोले बताओ तीसरे चरण कहाँ रखे? उन्होंने गरुड़ को बुला करके नाग खास बंधन में बांध दी। इतने में उनकी जो पत्नी थी ना, बड़ी बुद्धिमान पत्नी थी, हाँ विद्यावली बड़ी बुद्धिमान थी। बोले ठाकुर को क्या दिया? दुनिया ठाकुर जी के, ठाकुर तो अपना ठाकुर दुनिया को ले लिया। जब तक शरणागति नहीं होते हो, जब तक खुद को खुद नहीं दे देते हो, देना थोड़ी होता है, बताना पहले सर पर रखे। बोले भैया क्या पत्नी है? पत्नी का मतलब क्या है? पा मतलब होता है पतन, ती मतलब जो पति को कभी नीचे गिरने नहीं दे, ऐसे नहीं सुख में रहे दुख आए तो पति को छोड़ कर भाग जाए, नहीं ये पत्नी नहीं है। पत्नी जो पति को हर समय भक्ति धर्म में प्रभु की प्रेम मार्ग में जो मदद करे। बोले भैया तू सही पत्नी हो। बोले प्रभु को, बोले प्रभु ये बताओ दान बढ़ाना दानी बढ़ा? बोले दानी बढ़ा। बोले आप तो दानी लिया, दानी स्वयं बाकी है, मेरे सर पर रखो ना। फिर ठाकुर जी अपना चरण को उनके सर पर रखे, सारे देवता बोले शेष महेश गणेश दिनेश सूरज सेव जाई निरंतर ध्याने, आज वह दुर्लभ चरण कहाँ पर रखे? बलि महाराज के सर पर रखे। सारे देवता स्वर्ग से पुष्प की बौछार की और श्री बामन बलि महाराज की जयकार लगाए। बोले श्री बलि महाराज की, बोले श्री बामन भगवान की। इतने में बोले बताओ तेरे को वर क्या चाहिए? उनको सुतल लोक में स्थान दिया। बोले प्रभु मेरे को ये वरदान दो, जब जब घर से निकलू ना तो आपका दर्शन करो, जब घर में आओ आपका दर्शन करो। बोले तथास्तु, मतलब भगवान क्या बन गए? दरबार। ठाकुर जी क्या बन गए? दरबार बन गए। इतने में नारद जी वैकुंठ में पहुंचे, देखा मैया लक्ष्मी अकेली। बोले क्या बात, प्रभु जी कहाँ है? बोले पता नहीं कहीं गए, अभी तक आए नहीं। बोले उन्होंने विदेश में अपना नौकरी ढूंढ लिया। क्या कर लिया? विदेश में नौकरी। बोले भैया कौन सा नौकरी? बोले दरबार की। बोले कहाँ पर? बोले बलि महाराज के दरबार, दरवाजा पर। इतने में मैया लक्ष्मी आए,
देखा भगवान बैठ करके जगते रहो बोल रहे। लक्ष्मी बोली यही का सर कही थी दरबार में देखा, बोले बात मत करो अभी मैं ड्यूटी दे रहा हूँ, अभी बात मत करो मैं ड्यूटी में अभी हूँ। अभी माँ लक्ष्मी भी बलि महाराज जी जो दान देते हैं ना, जिसे दान का लाइन में माँ लक्ष्मी खड़ी हुई, मैया लक्ष्मी की बारी आई, बोले बर मांगो। तब उन्होंने बोले एक काम करो, पहले तुम संकल्प करो। बोले संकल्प क्यों, वैसे माता ना? बोले नहीं, बगैर संकल्प तुम्हें मांगती नहीं। बोले एक में तो संकल्प कराने वाला आया था, ये दूसरी कौन आती, समझ गए भैया दाल उन्हें भी काली है काला है। बोले भैया संकल्प क्या? बोले संकल्प करो ना। जब उन्होंने संकल्प किया बोले देखो मेरे दरबार में सब कुछ है लेकिन एक चीज की कमी है, कोई अच्छे दरबार नहीं। अरे मैंने देखा बड़ा सुंदर काम का दरबार, ये दरबार भी मेरे को दे दो। वो समझ गए ये और कोई साधारण नहीं। बोले पहले बताओ आप है कौन। तब माँ लक्ष्मी स्वयं प्रकट होती है, कहते प्रभु को तो मैं दे ही नहीं सकता हूँ। ठाकुर जी को एक स्वरूप में रहे और दूसरे स्वरूप में गए। देखो लक्ष्मी कौन है, विश्व ब्रह्मांड को देने वाली लक्ष्मी के हाथ ऐसे रहती है ना। हम सबके सब लक्ष्मी को प्रार्थना करते कृपा चाहते हैं, क्योंकि लक्ष्मी के बगैर सब दरिद्र बन जाएंगे। एक दिन जो राम लक्ष्मण है श्री कृष्ण और बलराम, एक दिन बलराम प्रभु कृष्ण को फिर बिगड़ गए। क्यों? लक्ष्मी सबके घर में जाती है। एक दिन बिगड़ गए तो लक्ष्मी की कृपा नहीं हुई तो घर से निकाल दिया तो कृष्ण बलराम की दर दर भक्त बट गए। उनको भी खाना कितने साल तक मिले नहीं, कितने साल तक ठाकुर को खाना नहीं मिले। इसलिए मैया लक्ष्मी के आशीर्वाद दुनिया चाहते हैं, लेकिन दुनिया लक्ष्मी से दुनिया लेती है लेकिन भगवान। इसलिए उन्होंने नारायण का हाथ लिया, वामन देव का हाथ, और वो हाथ को उन्होंने किसको हाथ में दिया, माँ लक्ष्मी को हाथ में दिया। मतलब क्या है, सारा दुनिया जिनकी कृपा चाहती है उनको दान दे रहे। कौन? बलि महाराज। दान किया दिया, छोटे मोटे चीज दान नहीं दी, विश्व ब्रह्मांड का मालिक को उन्होंने दान दिया। मतलब बलि महाराज का प्रेम में ठाकुर जी कितने वशीभूत हो गए, उनकी चरण में ठाकुर बीत गए। मतलब भगवान इतने भक्तवत्सल है। देखो आज ठाकुर जी आपके पास में भिक्षा लेने जाएंगे, भगवान का सारा जीवन हमें खिला रहे हैं, लेकिन आज स्वयं ठाकुर जी भिक्षा मांगने के लिए आपके दरबार में जाएंगे। इसलिए आप लोग कुछ कुछ दान देनी चाहिए ठाकुर को, क्योंकि सुदामा ने दो मुट्ठी चिड़वा दिया ना, ठाकुर त्रिभुवन का राज्य दे दिए। अभी ठाकुर जी जाएंगे, हम लोग कुछ कुछ भिक्षा देना, ठीक है? बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोलो वामन भगवान की जय। बाद में कृष्ण जन्म लेने वाले 10 मिनट में कृष्ण जन्म लेंगे, ठीक है? जब जा उनको लेकर साथ में जय जय श्री राम तिरद्वार खड़ा खड़ा
राज्ञां शोभयवंसानां चरितं परमाद्भुतम्। अभी भगवान कन्हैया जन्म लेने वाले हैं। अब जब कृष्ण जन्म लेने वाले, कहते जो कृष्ण कथा बड़ा ही मीठा कथा है, इसलिए प्रभु जी बता रहे थे ना, वो कथा कृष्ण नहीं पूरा रसगुल्ला है, जिधर खाओ उधर मिठाई 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 है। इसलिए श्री वल्लभाचार्य ने बताए एक मधुराष्टक लिखा है, वो मधुराष्टक में लिखते हैं कृष्ण पूरा के पूरा मिठाई है। वो क्या लिखते हैं, बोले अधरंग मधुरा बताए। ओए हरे कृष्ण, ये कृष्ण को लेकर पीछे चले जाओ, जब मैं बुलाऊंगा तो बीच से वो चले जाओ, ले जाओ कृष्ण को पीछे ले जाओ, जब पीछे ले जाओ मैं जो बोला तो बात। हरे कृष्ण हरि बोल। बोले अधरंग मधुरा बदनंग मधुरा नायनंग मधुरा गमनंग मधुरा अधरंग मधुरा बदनंग मधुरा नायनंग मधुरा अधरंग मधुरा गमनंग कथा कैसे हैं। बोले तीन गंगा है, कितना गंगा है, तीन। एक स्वर्ग में गंगा जिसका नाम मंदाकिनी, वो स्वर्ग लोगों का कल्याण करती है। दूसरी गंगा मर्त्य जगत में जिसका नाम भागीरथी, जो ये मर्त्य जगत को कल्याण करती है। एक गंगा पाताल लोक में जिसका नाम भोगवती, जो पाताल लोक को जो कल्याण करती है। तो उसी तरह जो कृष्ण कथा वो भी तीन लोगों को पवित्र करती है। बोले तीन लोगों कौन है, जो कथा बोलते हैं, जो कथा सुनते हैं और जो प्रश्न करते हैं, ये तीनों को ये कथा पवित्र करती है। बोले भैया कृष्ण कथा कैसे है, बोले कृष्ण कथा इतने मधुर है। बोले निवृत तसई रूपगीय मनात भव औषध क्षत्र मनोविरामात। बोले कृष्ण कथा में इतने मीठा, इतने मीठा है। सुखदेव गोस्वामी जैसे ब्रह्म ज्ञानी, चतुसन जैसे ब्रह्म ज्ञानी जब कृष्ण की कथा सुनते हैं, बोले कुर्बन अहि तुम्हें भक्ति इतम भूत गुणहरि। भगवान की इतने सुंदर कथा, वो भी अपना ब्रह्म ज्ञान ध्यान को छोड़ करके भगवान के प्रेम करने लग जाते हैं। भगवान बैठा दो बच्चे, पावन देव वहां बैठ जाओ, अरे कथा नहीं कोई सुनेंगे तुम्हें देखते रहेंगे, उनको बैठा दो। हरे कृष्णा, अभी कृष्णा आएंगे, कृष्ण को देखना मेरे तरफ देखो, हरे कृष्णा। इसलिए कृष्ण कथा बड़ा मीठी है। अगर भवसागर से कोई पार होना चाहते हैं तो आपको कुछ भी करने का जरूरत नहीं, केवल कृष्ण कथा सुनते सुनते संसार से पार हो जाओगे। इसलिए कृष्ण कथा बोले रस भई से रस जबाया लब्धानंद भवती, भगवान स्वयं रस स्वरूप है। अभी भगवान रस अभी जन्म लेने वाले हैं, कृष्णा भी जन्म लेने वाले। बोले श्री नंद के लाला की, श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। अभी वसुदेव महाराज को साथ में देवत की शादी हुई, कंस स्वयं सारथी बन करके विदाई दे रहा था, रास्ता में आकाशवाणी हुई, बोले रे मुरा कंस, जिस देवकी को तुम इतने आनंद पूर्वक विदाई दे रहे हो, उसकी अष्टम गर्भ का संतान तेरे कारण कारणिका। कंस ने देखा ये देवता का वाणी कभी झूठी नहीं होती है, इसे न रहेगा बांस और न बजेगी बांसुरी। उसने म्यान से तलवार निकाला, चोटी को पकड़ करके जब मारने जा रहा था, वसुदेव ने देखा आकाशवाणी कभी झूठी नहीं हो सकती है, इसी तरह से देवकी को हमें रक्षा करनी चाहिए। साम दाम दंड भेद रीति से उन्होंने समझाने के लिए कोशिश की। बोले एक दिन मरोगे नहीं, बोले मरूंगा। बोले जब मरोगे अपना बहन को मार कर क्यों मरोगे, सारा दुनिया निंदा तुम्हारी करेगी। बोले आकाशवाणी नहीं सुनी, बोले मैंने भी सुना। बोले ये बताओ मरती कौन है, बोले शरीर, शरीर मरती है। बोले शरीर तो मरा है ही है, लेकिन
तत्वतः हम कौन है, बोले आत्मा। बोले आत्मा कैसे, बोले ना जायते ना मृियते, आज जो नित्य शाश्वत ये आत्मा है। जैसे एक कपड़ा पुराना हो जाने पर छोड़ करके हम नए कपड़ा धारण करते हैं, उसी तरह ये आत्मा एक शरीर से जाकर के दूसरे शरीर में प्रवेश करती है। नैनम छिन्दत शस्त्राणि नैन दहति पापको, अस्त्र से काटा नहीं जाता, आग में जलती नहीं, वो वायु में सूखता नहीं, पानी में भीगता नहीं, ये नित्य शाश्वत है आत्मा। बोले मरूंगा तो बाद में मरूंगा, अभी क्यों मरूंगा, जब किसी तरह से माना ही नहीं। बोले तुम जानते हो मैं कभी झूठ नहीं बोलता हूँ, मैं प्रतिज्ञा करता हूँ मेरे जितने बच्चे होंगे सारे बच्चे तेरे को दे दूंगा, तू देवकी को मारो मत। अभी ठाकुर को इच्छा है, उनने छोड़ दिए। जब छोड़ दिए, आप लोग अभी श्रवण कर रहे थे, उनने छह बच्चों को उन्होंने कल से मार डाले। बोले भैया छह बच्चे कौन है, कहते कृष्ण कब आए, अच्छे तरह से सुनो इसको, कृष्ण अष्टम गर्भ में आए। बोले अष्टम गर्भ में क्यों आए, वो अष्टम गर्भ में क्यों आए, कारण क्या। बोले बताए जो साधन है ना, साधन की आठ स्टेजेस हैं, इसलिए छह बच्चे को मारे मतलब अगर भगवान को कोई हृदय में प्रकट करना चाहते हैं, हमारा सबसे बड़ा छह शत्रु है कौन है, काम क्रोध लोभ मोह मद और मात्सर्य, ये सबसे बड़े शत्रु हमारी है। पहले ये छह शत्रु को मारे। बोले सप्तम गर्भ में कौन आए, बोले दाऊ भैया बलदेव प्रभु। बोले बलदेव प्रभु कौन, बोले ये धाम स्वरूप है, भगवान को जो धारण करने वाले, भगवान की दस शरीर से आसन व्यंजन पादुका वस्त्र, भगवान की जो कुछ देख रहे हो, ये दुनिया में जो कुछ देख रहे हो, ये बलदेव प्रभु का प्रकाश है, ये भगवान को धारण करने वाले ये बलदेव प्रभु। और अष्टम गर्भ में बोले कृष्ण। तो इसका कारण बताए, बोले जो छह गर्भ जो सड़ गर्भा ये कंस है, हम भक्ति क्यों करते हैं, बोले भय से भक्ति करते हैं, अगर भक्ति नहीं करेंगे फिर 84 लाख के जन्म में हमें भटकना पड़ेगा। इसलिए भक्ति की आठ स्टेजेस हैं। पहला भक्ति का जो स्टेज श्रद्धा, हरि बोल ध्यान से सुना, भक्ति का पहला स्टेज श्रद्धा और अष्टमा स्टेज प्रेम। जैसे हमारी अंदर में श्रद्धा है तभी हम यहाँ आकर बैठे, फिर उसको बाद में सत्संग साधु संग, फिर हम संतों की संग कर रहे हैं, फिर सत्संग से जब पता हमें चलेगा हम कौन है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, हम सब भगवान की संतान हैं। लेकिन भगवान को भूलने का वजह से ये माया हमें ये जेल में डाल दिया और दुख कष्ट भोग कर रहे हैं। जब सत्संग से ये ज्ञान हो गया, तीसरा स्टेज किया बोले भजन किया, फिर हमें भगवान की भक्ति करना शुरू करेंगे। जब भक्ति करेंगे फिर क्या होगा, बोले चतुर्थ स्टेज किया, बोले हमारा हृदय में जो अनर्थ है, जो अपराध, जो पाप, जो असत तृष्णा है, ये सब के सब खत्म होगा, ये चतुर्थ स्टेज है। जब ये चीज खत्म होगी, बोले पंचमा स्टेज किया, बोले रुचि। रुचि मतलब क्या, अभी हमें भक्ति में आनंद नहीं आ रहे, प्रभु का भजन करने के लिए बैठो, माला जप करो, नींद आ जाएगी, मन नहीं लगेगा। लेकिन कोई टीवी का सीरियल हो ना, देखा 3-3 घंटा बैठ कर देखते, 3-3 घंटा वहां पर बैठ कर देख लेंगे। लेकिन बोलो भैया 10 मिनट के माला जप करो, बोले माला खत्म नहीं हो रही, कब खत्म होगा, है ये बेचैन से हम हो जाते हैं। बोले क्यों, चूंकि हमारे हृदय में बहुत सारे अपराध अनर्थ पाप भरा पड़ा हुआ है। लेकिन ये जब खत्म हो जाएगी ना, भगवान की भक्ति इतनी अच्छी लगने लग जाएगी, तब हम कोशिश करेंगे भैया ये काम कब खत्म हो, थोड़ा माला लेकर के बैठे और ठाकुर का थोड़ा भजन करें, थोड़ा गीता रामायण भागवत पढ़े, हाँ उसको कहते रुचि। बोले उसको बाद में छठवां स्टेज बोले निष्ठा। बोले निष्ठा मतलब क्या है, भक्ति में इतने हम पक्के हो जाएंगे। जैसे मीरा, इनकी जीवन में कितने विपत्तियां आई लेकिन उन्होंने प्रभु का भजन छोड़ी, भगवान की भक्ति छोड़ दिया उसने, दुनिया छूट गई उसकी, लेकिन उन्होंने प्रभु का भजन उसने नहीं छोड़ा। लेकिन हम लोग कैसे हैं, अगर भक्ति कर रहे हैं ना, अगर जीवन में थोड़ी कोई आपत्ति विपत्ति आ जाए, भले ही कोई चीज नहीं छोड़े, पहले माला ही छोड़ देंगे। माला छोड़ने के लिए हम बैठे हुए, खाना नहीं छोड़ेंगे, पीना नहीं छोड़ेंगे, घूमना नहीं छोड़ेंगे, माला ही पहले छोड़ देंगे। लेकिन जब निष्ठा हो जाएगी ना, भले ही जीवन में जितने बाधा आ जाए, एक भक्त थे हरिदास ठाकुर जी, प्रहलाद महाराज, कितने विपत्ति आए लेकिन प्रभु का भक्ति कभी नहीं छोड़े। जब ऐसे पक्की निष्ठा हो जाएगी तुम्हारी अंदर में, फिर आएगी आसक्ति भावावस्था, आएगी
भावावस्था ये सप्तम स्टेज है। बोले इसका लक्षण क्या, ध्यान देकर सुना, इसका क्या लक्षण है? बोले कभी कभी भगवान की मीठी मीठी बंसुरी की आवाज सुनने लग जाएगी, कभी कभी कान को खड़े करके सुनने लग जाएंगे, कभी कभी ठाकुर जी की चरण की जो नुपुर है उसका छम 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 आवाज आएगी, कभी उसको सुनने लग जाएगी, कभी कभी उसको ऐसे लगेगा जैसे ठाकुर जी आए और हमें अधरा मृत पान करा के चले गए। फिर अपना होठ को जैसे कोई बढ़िया मिठाई खाना अपना होठ को चाटने लग जाते हैं, फिर अपना होठ को चाटने लग जाओगे। कभी कभी उसको ऐसे लगेगा ठाकुर जी आए और हमको स्पर्श किया है, उसका रोंगटे खड़े हो जाएगी, आंखों से आंसू की झरी बहने लग जाएगी। कभी कभी उसको ऐसे लगेगा जैसे ठाकुर जी साक्षात सामने प्रकट हो गए, आग एकदम चकाचौंध हो जाएगा, हैं? उसको आग चकाचौंध, ये भावावस्था, ये सप्तम स्टेज। बोले अष्टम स्टेज में साक्षात भगवान कृष्ण तुम्हारे सामने दर्शन देते, साक्षात कृष्ण तुम्हारे सामने प्रकट हो जाएंगे। कहते ये जो कृष्ण जो अष्टम स्टेज में आए मतलब यही है, पहले छह बच्चों को मारो, फिर बलदेव प्रभु की कृपा होगी, जब हृदय शुद्ध संत निर्मल हो जाए फिर भगवान कृष्ण अष्टम स्टेज में ये कृष्ण प्रेम प्रकट हो जाएगी। बोले श्री कृष्ण कन्हैया लाल की, इसलिए भगवान कृष्ण अष्टम गर्भ में आए, इसलिए उन्होंने छह बच्चों को मारे। अब श्री बलदेव प्रभु सप्तम गर्भ में, बलदेव प्रभु अभी अष्टम गर्भ में कृष्ण आ रहे हैं, लेकिन भगवान जब आए आप देखना इसी जगत में, अगर मोदी यहाँ पर आए देखना क्या होता है, उसके लिए स्टेज बनवाएंगे, स्वागत करेंगे, कितने मंत्री पहले आकर तैयारी करेंगे, हैं? कितने सुंदर उसके लिए सजावट होगी। अभी कौन जन्म लेने वाले, अनंत कोटि विश्व ब्रह्मांड का स्वयं मालिक आने वाले। भगवान आने से पहले देवकी गर्भ को सारे देवता लोग आकर के स्तुति कर रहे हैं। बोले सत्य प्रथम सत्य परम त्रिसत्य सत्य से जोनी निहितम च सत्य सत्य से सत्य मृत सत्य नेत्रे सत्यात्मकत्वम शरणम प्रपद्ये। बोले हे प्रभु आप ही सनातन सत्य आदि जगत का पहले थे अभी है बाद में आप ही रहेंगे, आपका धाम सत्य आपका भक्त सत्य। अभी 33 करोड़ देवता भगवान को स्वागत कर रहे हैं, चलो हम भी थोड़ा ठाकुर को स्वागत करेंगे, क्योंकि ठाकुर जी आने वाले सब देवता लोग को स्वागत कर रहे हैं, इसलिए अभी भगवान जन्म होने वाले। देखो जब ठाकुर जी जन्म लेते हैं ना ये पृथ्वी आनंद में इतने भरपूर हो जाती है पृथ्वी। बोले भैया पृथ्वी क्यों आनंद हो रही है? बोले भगवान मेरे को हर अवतार की कृपा की, जैसे भगवान जब बरहा रूप में आए भगवान पृथ्वी को अपना पत्नी उन्होंने बनाया, नखा द्रव्य उन्होंने उत्तोलन किया, और जब भगवान तृतीया युग में आए आप लोग बताओ मैया सीता कहाँ से जन्म हुई, कौन बोलेगा हाथ उठा, मैया सीता कहाँ से जन्म, कहाँ से प्रकट हुई, बोलो जोर से, पृथ्वी से जन्म हुई। फिर सीता की शादी प्रभु राम से हुई, बता राम का पृथ्वी फिर क्या लगती है, अरे सासु लगती है, इतना नहीं बोल पाती हो, पृथ्वी क्या हो गई, माता जी बैठो अभी, अरे बैठे बैठ कर दो, इसलिए पृथ्वी क्या हो गई, सासु हो गई, इसलिए बोले रामावतार में भगवान पृथ्वी को सासु बनाए। अभी प्रभु द्वापर युग में आ रहे हैं, इसलिए वही पृथ्वी अभी सत्यभामा बनकर आएगी, सत्यभामा भगवान की पटरानी बनेगी, वही पृथ्वी में भगवान नंगे पैर में सर्वत्र प्रभु गैया चराएंगे, इसलिए पृथ्वी की आनंद की कोई सीमा नहीं। कहते वृंदावन एकदम फूलों से कुंज से सज गई, बोले क्यों, बोले भगवान कुंज कुंज में ठाकुर जी लीला करेंगे, यमुना नदी का तो आनंद की कोई ठिकाना नहीं, बोले क्यों, बोले प्रभु मेरे को अपना पटरानी बनवाएंगे, अपना सखी बनाएंगे, जमुना जल में ठाकुर जी विहार करेंगे, इसलिए जमुना नदी जमुना त्रिशे कलकल नाल करते करते भगवान की जय जयकार करते हुए प्रकट हो रही है। बोले श्री जमुना महारानी की, आप लोग जयकार नहीं दे रहे, कोई है कोई जय गए, जोर से बोलो, बोले श्री जमुना महारानी की। बोले कमल फूल खिलता है दिन में, लेकिन ये कमल फूल रात में खिल गया, बोले क्यों, कारण क्या, बोले कारण है संत लोग जो भगवान को उदाहरण देंगे, बोले नमो पंकज नाभाय नमो पंकज मालिने, क्या बोलते हैं,
बोले भगवान के सारे अंग कमल है, हस्त कमल, चरण कमल, नाभि कमल, मुख कमल, नेत्र कमल, सब कमल कमल को साथ उदाहरण देंगे। इसलिए कमल एकदम खिल गई। कहते भगवान जब आए अष्टमी का रात में, कि कौन से रात में आए, बुधवार भादो की महीना अष्टमी रात में, अष्टमी रात में जो चंद्रमा वो आधा होता है, लेकिन आज भगवान चंद्र वंश में आ रहे हैं, इसलिए चंद्रमा एकदम पूर्ण चंद्र रूप में प्रकट हो गई। क्यों आज मेरे वंश में, ठाकुर जी मेरे वंश में आ रहे हैं, इसलिए सारे देवता प्रसन्न हो रहे हैं, प्रसन्न होकर के भगवान को स्वागत कर रहे हैं। देखो ठाकुर जी अभी आ रहे हैं, आप लोग भी ठाकुर जी को स्वागत करो, प्रभु जी उनको ले आओ। बोले सो स्वागत